हम लोग तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग परीक्षा धाम की बुक को कवर कर रहे थे यूनिट एट के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें हम लोग खेल सेगमेंट को पढ़ेंगे, खेल सेगमेंट को, खेल करंट अफेयर। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि 2028 के ग्रीस में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये लॉस एलेंजिस में किया जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमें खेल परिदृश्य में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, खेल करंट अफेयर और स्टैटिक खेल में भी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था 2021 में, इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में हुआ था। आयोजन स्थल कहाँ था? टोक्यो जापान में था। ओलंपिक का संस्करण 32वां था। का शुभंगर क्या था? मिराई तोबा। मिराई तोबा आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाई इमोशन। आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। और इसमें कुल कितने देश शामिल थे? 206 देश शामिल थे। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं तो 33 खेल और 339 प्रतिस्पर्धाएं इसमें थीं। फिर टोक्यो ओलंपिक विशेष देख लेते हैं। तो ओलंपिक में पहली बार शामिल खेल कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये सब पहली बार जोड़े गए थे। फिर ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? यांग कियान ने, ये चीन के है और शूटिंग में इन्होंने इस ओलंपिक का पहला पदक जीता था, यांग कियांग। 13 वर्ष बाद फिर से शामिल हुआ खेल बेसबॉल था, पुरुष बेसबॉल, ये 13 वर्ष बाद शामिल किया गया। एशिया का पहला शहर जिसने 2 बार ओलंपिक की मेजबानी की, टोक्यो। टोक्यो 1964 में और 2021 में 2 बार एशिया का एकमात्र शहर जिसने ओलंपिक की 2 बार मेजबानी की है। 33वां ओलंपिक 2024 का पेरिस फ्रांस में होने वाला है। प्रथम जो स्थान इसमें इस जो 32वां ओलंपिक था उसमें प्रथम स्थान अमेरिका को मिला था, कुल 113 पदक अमेरिकन जीते थे। दूसरा स्थान चीन का था, कुल 88 पदक इसने जीते थे। और तीसरा स्थान जापान का था, कुल 58 पदक इसने जीते थे। पदक तालिका में 5 स्थान पर रहे देश और उनके पदक, तो यूएसए के टोटल 113 पदक थे, जिसमें से उसने स्वर्ण कितने जीते थे? 39, रजत पदक 41 और 33 कांस्य पदक। चीन के 88 टोटल पदक थे, 38 इसने स्वर्ण पदक जीते थे, 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक। जापान के टोटल 27 स्वर्ण पदक थे, टोटल कितने थे? 58, और उसमें से स्वर्ण कितने थे? 27 रजत पदक, सिल्वर मेडल 14 थे और ब्रॉन्ज मेडल 17 थे। ग्रेट ब्रिटेन के 65 टोटल थे, लेकिन सिल्वर मेडल या सॉरी गोल्ड मेडल ग्रेट ब्रिटेन ने कम पाया था, इसलिए इसका स्थान चौथे में चल लटक गया। इसमें जो सिल्वर मेडल है 21 और जो ब्रॉन्ज मेडल है 22 ब्रॉन्ज मेडल इसने जीते थे। रूस टोटल 71 पदक जीते हैं इसने, 20 गोल्ड, 28 रजत और कांस्य कितने जीते हैं? 23। भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, इसमें से गोल्ड केवल एक नीरज चोपड़ा का था, सिल्वर मेडल 2 मिले थे और ब्रॉन्ज मेडल 4 मिले थे भारत को। भारत के टोटल 7 थे, 1, 2, 4। फिर टोक्यो टोक्यो ओलंपिक में भारत, टोक्यो ओलंपिक में शामिल कुल भारतीय खिलाड़ी 127 से 127 में 71 पुरुष थे और 56 महिलाएं थीं। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम व मनप्रीत सिंह थे, मैरी कॉम व मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे, ये पहलवान है समापन समारोह में। भारतीय पुरुष हॉकी महिला टीम के भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सॉरी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल थी। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां रहा। भारत के कुल पदक 7 थे, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोक्यो 2021 में भारत के पदक, तो मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला था 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। लवलीना बोरगोहेन को ब्रॉन्ज मेडल मिला था वुमेन्स वेट लिफ्टर बॉक्सिंग में, सॉरी वुमेन्स बेल्टर वेट बॉक्सिंग में। पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मिला था बैडमिंटन में। रवि कुमार दाहिया को सिल्वर मिला था मेंस फ्री स्टाइल 57 ग्राम इसमें इवेंट में। भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला था मेंस हॉकी टीम को। बजरंग पुनिया को ब्रॉन्ज मिला था मेंस 75 किलोग्राम रेसलिंग में। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था मेंस जेवलिंग थ्रो में। अब सोलामा टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था 2021 में, तो ये इसका भी आयोजन टोक्यो में हुआ जापान में। मैस्कॉट क्या था? सुमाइटी। जबकि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। फिर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेक छन थे, ये भाला फेंकते हैं। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? समापन
समापन समारोह में तो अपनी लेखरा थी, निशानेबाज हैं। पहला स्वर्ण पदक पैगे ग्रीको ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया के थे। फिर भारत के लिए पहला पदक भावना पटेल ने जीता था। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अपना अपनी लखीरा ने अपनी लेखरा ने जीता था अपनी लेखरा ने जीता था। तो पैरोलंपिक 2021 में भारत का स्वर्ण पदक तो अपनी लेखरा, ये राजस्थान की हैं, शूटिंग में इन्होंने जीता और 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। मनीष नरवाल हरियाणा के हैं, शूटिंग में इन्होंने जीता, 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। फिर प्रमोद भगत बिहार के हैं, इन्होंने बैडमिंटन में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल हरियाणा के हैं, जेवलिन थ्रो में इन्होंने बाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। फिर कृष्णा नागर राजस्थान के हैं, बैडमिंटन में इन्होंने पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। सुलह में टोक्यो पैरालंपिक 2021 में स्थान, प्रथम स्थान चीन का है, 207 इसके मेडल हैं। दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का है, 124 इसके मेडल थे। तीसरा स्थान अमेरिका का था, 104 इसके मेडल थे। और 24वां स्थान भारत का था, 19 मेडल थे भारत के। तो पैरा जो ओलंपिक 2016 कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में। पैरा ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाला है, यूएसए में। पैरा ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। अब शीतकालीन ओलंपिक 2021 तो ये बीजिंग चीन में हुए थे। मैस्कॉट क्या था, बिंग ड्वेन ड्वेन, बिंग ड्वेन ड्वेन। आदर्श वाक्य क्या था, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। पहली बार शामिल देश तो हैती और सऊदी अरब थे। भारत की तरफ से एकमात्र शामिल खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान थे। स्कीयंग खेल जम्मू कश्मीर के थे, स्कीइंग खेल जम्मू कश्मीर से थे। भारत ने कोई पदक नहीं जीता। पदक तालिका में शीर्ष स्थान नॉर्वे का रहा, कुल 37 पदक इसने जीते हैं। फिर जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ 2022 में, इसका आयोजन बर्किंगम इंग्लैंड में हुआ था। आयोजन का समय 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को। शुभंकर क्या था, पेरी द बुल, ये डिजाइनर एमालू था। फिर इसका आदर्श वाक्य क्या था, स्पोर्ट इज जस्ट अ बिगनिंग, स्पोर्ट्स इज जस्ट अ बिगनिंग। उद्घाटन और समापन समारोह में, समारोह का आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। इसमें कुल देश 72 थे, प्रतिस्पर्धाएं 283 थी और खेल 20 था। टोटल 20 खेल थे, शामिल थे इसमें। खेलों की शुरुआत की घोषणा प्रिंस चार्ल्स ऑफ वेल्स द्वारा की गई। पहली बार शामिल खेल क्रिकेट था और वो भी वुमेन्स क्रिकेट। सर्वश्रेष्ठ एथलीट का जो डेविड डिक्सन पुरस्कार है, ये तियान वेई फेंग टेबल टेनिस सिंगापुर को मिला। 22वां राष्ट्रमंडल खेल भारत में, तो भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी है, तो भारत ने 22वें राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल में क्या प्रदर्शन किया उसको देख लेते हैं। तो भारतीय जो एथलीटों ने भाग लिया था उसमें 213 थे। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे, पीवी सिंधु व मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक अचंत शरद कमल और निखत जहीन थी। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, मीराबाई चानू ने, कहाँ पर, वेट लिफ्टिंग में। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अजत शरद कमल थे। टेबल टेनिस में इन्होंने कुल 4 पदक जीते। भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता, तो कुश्ती में जीता, कुल 12, जिसमें से 6 स्वर्ण थे, 1 सिल्वर था और 5 कांस्य। सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी सुनील बहादुर थे, 45 वर्ष में इन्होंने लान बाउल्स खेला। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट अनाहत सिंह थे, 14 वर्ष के। स्क्वैश खेल इन्होंने खेला और तालिका में भारत का स्थान 4th था। भारत को प्राप्त कुल पदक 61 थे, इसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य मेडल थे। चलिए अब राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 158 पदक जीते हैं, जिसमें से 67 गोल्ड थे, 57 सिल्वर थे और 54 ब्रॉन्ज मेडल थे। इंग्लैंड ने 175 जीते, जिसमें से 56 गोल्ड थे, 65 सिल्वर थे और ब्रॉन्ज कितने थे, 53। कनाडा ने टोटल 52 पदक जीते हैं, जिसमें से 26 गोल्ड थे, 32 सिल्वर थे और 34 ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत ने 61 टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। फिर न्यूजीलैंड ने 5वें स्थान पर रहा, ये 49 मेडल जीते हैं, जिसमें से 20 स्वर्ण थे, 12 रजत थे और 17 कांस्य पदक थे। राष्ट्रमंडल 2022 में मध्य प्रदेश के चर्चित खिलाड़ी तो अंचिता सेवली थी, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। अद्वैत पागे तैराकी से रिलेटेड है, तो 1500 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी फाइनल में 7वां स्थान प्राप्त किया। विजय यादव जूडो से रिलेटेड है, 60 ग्राम कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया। विवेक सागर हॉकी से रिलेटेड है, कॉमनवेल्थ में
पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे ये। पूजा वस्त्राकर क्रिकेट से रिलेटेड है, कॉमनवेल्थ में रजत पदक विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य हैं ये। तुलिका मान जूडो से रिलेटेड है, तो 78 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को इन्होंने रजत पदक दिलाया। अब कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के चर्चित खिलाड़ी, तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में महिला वर्ग 49 किलोग्राम में थी ये। जर्मी लाल रिंगनुंगा लाल री नुंगा ये लेवेट लिपिंग से रिलेटेड है, पुरुष वर्ग में 67 किलोग्राम कैटेगरी में। अंचिता सेवली वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, पुरुष वर्ग में 73 किलोग्राम। भारतीय महिला टीम इन्होंने कौन सा खेल था, लॉन बॉल्स वुमेन्स फोर्स श्रेणी में। भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस मेन्स टीम थी ये। सुधीर ये पैरा पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड है, मेन्स हैवी वेट से रिलेटेड। फिर बजरंग पुनिया कुश्ती से रिलेटेड है, पुरुष फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम वर्ग में। साक्षी मलिक कुश्ती से रिलेटेड है, महिला फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम। दीपक पुनिया कुश्ती से रिलेटेड है, पुरुष फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम। रवि कुमार दाहिया कुश्ती से रिलेटेड है, पुरुष वर्ग 57 किलोग्राम में थी। फिर विनेश फोगाट कुश्ती से रिलेटेड है, महिला वर्ग 53 किलोग्राम में। नवीन कुश्ती से रिलेटेड है, पुरुष वर्ग 74 किलोग्राम में। भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस से रिलेटेड है, महिला एकल में। नीतू घनघास ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है। अमित पंघल मुक्केबाजी से रिलेटेड है। निकट जरीन मुक्केबाजी से रिलेटेड है। एलधोस पाल एथलेटिक्स से रिलेटेड है। शरत कमल या श्रीजा अकुला ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, शरत कमल टेबल टेनिस से। देवी सिंधु बैडमिंटन, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। एशियन गेम हुआ जो 2023 में, एशियन गेम 2023 उसमें देख लेते हैं, तो इसका 19वां संस्करण था, कॉन्टिनेंटल मल्टीपोर्ट इवेंट था ये। आयोजन इसका 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में हुआ था। आयोजक स्थल हांगझोउ रिपब्लिक ऑफ चीन था। फिर जो इसका शुभंकर था चेनचेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, तीन भविष्यवादी रोबोट थे ये, चेनचेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। आदर्श वाक्य क्या था, दिल से दिल एट भविष्य एट फ्यूचर, तो हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। अध्यक्षता इसकी एशियाई ओलंपिक परिषद ने की थी। कुल खेल या एथलीट, तो इसमें 45 कुल खेल थे और 11,000 एथलीट शामिल थे। एशियन गेम 2022 को कोविड के कारण एक साल स्थगित किया गया था। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में शीर्ष देश तो चीन पहले में था, जापान फिर उसके बाद दक्षिण कोरिया फिर भारत। एशियाई खेल में पहली बार शामिल किया गया जो खेल है क्रिकेट है 2023, तो एशियाई गेम 2023 की पदक तालिका चीन ने टोटल 382 पदक जीते हैं, इसमें से 200 इसने स्वर्ण जीते, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज मेडल। जापान ने 186 मेडल टोटल जीते हैं, इसमें से 51 गोल्ड 66 सिल्वर और 69 ब्रॉन्ज मेडल। रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया इसने 190 टोटल पदक जीते हैं, इसमें से 52 गोल्ड 59 सिल्वर और 89 ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत चौथे स्थान पर रहा, भारत ने केवल 107 मेडल जीते हैं, 28 गोल्ड 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीता। उज्बेकिस्तान ने 71 मेडल जीते, इसमें से 22 स्वर्ण पदक थे, 18 रजत पदक और 31 कांस्य पदक। फिर चीनी ताइपे ने टोटल 66 पदक जीते हैं, इसमें से 18 20 28 यानी कि सिल्वर 18 सिल्वर 20 और ब्रॉन्ज 28। ईरान ने 53 पदक जीते हैं, जिसमें से ईरान ने 13 गोल्ड जीते 21 क्या जीता इसने सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल जीता। थाईलैंड ने टोटल 58 पदक जीते हैं, इसमें से 12 गोल्ड 14 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज। बहरीन टोटल 20 पदक जीते हैं, इसमें से 12 इसने गोल्ड जीते, 2 इसने सिल्वर मेडल जीता और 5 कांस्य पदक जीता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसने टोटल 39 पदक जीते हैं, 11 इसने गोल्ड जीते हैं, 18 इसने सिल्वर जीते हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जिस देश का नाम आप टेबल में ढूंढ रहे हैं उसके केवल 3 पदक हैं यानी पाकिस्तान के केवल 3 पदक। 20वां एशियाई गेम 2026 में जापान में होगा और 21वां एशियाई गेम 2030 में दोहा में होगा। एशियन गेम्स में 2023 में भारत के कुल 655 एथलीटों ने भाग लिया था। भारत के द्वारा
जीते कुल पदक 107 थे, जिसमें से 28 भारत ने गोल्ड जीते, 38 भारत ने सिल्वर जीते और 41 भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत ने 100वां पदक किस खेल में जीता? तो महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो एथलेटिक्स में 29 पदक जीते हैं भारत ने। भारत ने किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो निशानेबाजी में 7। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह थे और लवलीना बोरगोहेन थी। समापन समारोह में ध्वजवाहक पीआर सुजेश थे। अब एशियन गेम्स में प्रमुख स्वर्ण पदक, तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन खेल में जीता है। शिव तैंड समरा शूटिंग में पलक गुलिया शूटिंग में अविनाश साबले, एथलेटिक्स में तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक में पारुल चौधरी, एथलेटिक्स में अन्नू रानी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो में ओजस प्रवीण देवताले व ज्योति सुरेखा, तीरंदाजी में फिर रोहन बोपन्ना और रातुजा भोसले, टेनिस में भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट में इसने जीता। तो महिला और पुरुष दोनों ने भारतीय कबड्डी टीम कबड्डी में पुरुष वर्ग में भारतीय कबड्डी टीम पुरुष पुरुष और महिला दोनों ने जीता है। भारतीय हॉकी टीम हॉकी में पुरुष वर्ग में जीता है। भारतीय घुड़सवारी टीम घुड़सवार टीम तो ये घुड़सवार में इन्होंने जीता है। एशियाई गेम 2023 में मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, तो एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक सहित जीते हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से रिलेटेड है, 10 मीटर राइफल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। आशीष चौक से शूटिंग से रिलेटेड है। पूजा उन्होंने रजत एवं कांस्य पदक जीता है टीम इवेंट में। पूजा वस्त्राकर क्रिकेट से रिलेटेड है, तो महिला क्रिकेट टीम के स्वर्ण पदक में विजेता की भूमिका में थी। नेहा ठाकुर सेलिंग से रिलेटेड है, रजत पदक महिला इवेंट में इन्होंने जीता है। तुलिका मान जूडो से रिलेटेड है, कांस्य पदक जीता इन्होंने। सुदप्ति हजेला ये घुड़सवारी से रिलेटेड है, स्वर्ण पदक टीम इवेंट में। एस के शर्मा और एम कौशिकी ने शूटिंग में रजत पदक टीम इवेंट में जीता। 37वें राष्ट्रीय खेल, तो इसका आयोजन 26 अक्टूबर से 29 नवंबर 2023 में हुआ। आयोजक स्थान गोवा था। शुभंकर क्या था? शुभंकर मोगा था, भारतीय बाइसन मोगा। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला, कुल 228 पदक किसने जीते? चौथा मतलब मध्य प्रदेश का चौथा स्थान था। मध्य प्रदेश ने कुल 112 पदक जीते, जिसमें से 37 स्वर्ण 36 रजत व 39 कांस्य पदक थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में प्रस्तावित है। विशेष क्या है? पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट खेल को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से गोल्फ टीम द्वारा पहली बार राष्ट्रीय खेल में भागीदारी की गई। तो पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले स्थान पर था 228 मेडल के साथ। 80 इसने गोल्ड मेडल जीते, 69 सिल्वर मेडल और 79 ब्रॉन्ज मेडल। फिर सर्विसेज ने 100 टोटल 126 मेडल जीते, जिसमें से 66 गोल्ड मेडल थे, 27 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल थे। हरियाणा ने टोटल 192 मेडल जीते, जिसमें से 62 गोल्ड थे, 55 सिल्वर थे और 75 ब्रॉन्ज थे। मध्य प्रदेश ने 112 मेडल जीते हैं, चौथे स्थान पर था, 37 गोल्ड था, 36 सिल्वर मेडल था और 39 ब्रॉन्ज मेडल था। राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश से चर्चित जो प्रमुख खिलाड़ी थे, तो अमी कयानी थे। बिलियर्ड स्नूकर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओम प्रकाश चौहान, इन्होंने गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता है। सौरभ वर्मा ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। सृष्टि सिंह ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है और चिराग ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो नेक्स्ट है 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024। इसका आयोजन 22 मार्च से 26 मई 2024 में हुआ था। टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह था, टाटा ग्रुप था। विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स थे, उप विजेता सनराइजर हैदराबाद। ऑरेंज कैप अवार्ड किसको मिला है? विराट कोहली को, 741 रन इन्होंने बनाए हैं। पर्पल कैप अवार्ड सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिया है, हर्षल पटेल ने 24 विकेट लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में मिचेल स्टार्क रहे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड नीतीश रेड्डी को दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, इसका 5वां संस्करण भोपाल में हुआ। आयोजन की अवधि 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को था। थीम क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। शुभंकर क्या था? चीता, आशा एवं मोगली।
प्रमुख खेल शामिल थे, तो 27 खेल टोटल इसमें शामिल थे। प्रथम संस्करण 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। पहली बार शामिल पानी के खेल तो फेंसिंग था, क्याकिंग था, राइंग था, कैनो था, कैनो स्लैलम और कैनोइंग था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में मध्य प्रदेश के चर्चित खिलाड़ी, तो मध्य प्रदेश के चर्चित खिलाड़ियों में नीरज वर्मा थे, काइकिंग से रिलेटेड थे, एकल स्वर्ण पदक विजेता हैं ये। हत्यात पटेल शूटिंग से रिलेटेड हैं, 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक विजेता हैं। फिर घनश्याम बिलौरे ये जिमनास्ट हैं, स्वर्ण पदक जीता है ये इन्होंने। योगेश्वर दत्त ये मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता है। आर्यन गणेश तैराक हैं, स्वर्ण पदक जीता है। मोनिका भदौरिया रोइंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मलिका मोर बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। गोमती भनोट शूटिंग में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता है। अभिषेक यादव कुश्ती में इन्होंने 51 ग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। और शिवकांत दांगी थांगता में इन्होंने 56 ग्राम में स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा 161 मेडल के साथ, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। हरियाणा दूसरे स्थान पर 128 मेडल में के साथ था, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। और मध्य प्रदेश इसमें टोटल इसको मध्य प्रदेश के 96 मेडल थे, जिसमें से 39 गोल्ड थे, सिल्वर मेडल 30 थे और ब्रॉन्ज मेडल 27 थे। आईपीएल में मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी तो आवेश खान इंदौर से थे, राजस्थान रॉयल्स टीम से। वेंकटेश अय्यर इंदौर से थे, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से। जलज सक्सेना इंदौर से थे, पंजाब किंग्स टीम से। रजत पाटीदार इंदौर से थे, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से। कुलदीप सेन रीवा के थे, राजस्थान रॉयल्स के। मोहम्मद अरशद सिवनी के थे, लखनऊ सुपर जायंट्स से। कुमार कार्तिके मुंबई इंडियंस के। फिर अर्शदीप सिंह गुना के थे, पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। और आशुतोष शर्मा रतलाम मुरैना के हैं, ये पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड जो अभी चीज़ें हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में कहाँ हुआ ये, द ओवल लंदन में हुआ। और इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, उप विजेता भारत था। 17वां जो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ है, चेन्नई में फाइनल हुआ और इसमें विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम थी और उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद थी। 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023 इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। 2रा महिला प्रीमियर लीग 2024 में हुआ, फाइनल दिल्ली में हुआ, इसमें जो विजेता थी RCB थी, RCB की वुमेन टीम थी और उप विजेता दिल्ली कैपिटल थी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 में विजेता मुंबई थी और उपविजेता विदर्भ थी। 3रा नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 तो इसका आयोजन केरला में हुआ था, विजेता भारत था और उपविजेता बांग्लादेश था। फिर 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में उसको देख लेते हैं। तो इसका आयोजन दोहा कतर में हुआ था। आदर्श वाक क्या था, शुभंकर क्या था, लाइव आदर्श वाक नाउइजाल। विजेता अर्जेंटीना था, उपविजेता फ्रांस था। 3रा स्थान क्रोशिया, 4था स्थान मोरक्को को मिला। सर्वाधिक गोल किलियन एम्बापे जो फ्रांस के हैं, 8 गोल उन्होंने दागे। गोल्डन बूट अवार्ड्स किलियन एम्बापे को दिया गया, फ्रांस के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया, लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं ये। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में होती है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में विजेता हरियाणा था, उपविजेता राजस्थान था। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आयोजन भारत में हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया था, उपजेता भारत था। फिर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 विजेता इंग्लैंड, उपजेता पाकिस्तान। दिलीप ट्रॉफी 2023 विजेता साउथ जोन, उपजेता वेस्ट जोन। 16वां एशिया कप 2023 इसका आयोजन श्रीलंका पाकिस्तान में हुआ और विजेता भारत था, उपजेता श्रीलंका था। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2023 विजेता पंजाब था, उपजेता वडोदरा था। ईरानी कप 2023-24 विजेता शेष भारत था और उपविजेता स्वराज था। अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड डे विश्व कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया था और उपविजेता भारत रहा। फुटबॉल के लिए अब देखते हैं, तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ये इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, विजेता स्पेन था और उपविजेता इंग्लैंड था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 इसका आयोजन भारत में हुआ था, विजेता स्पेन था और उपविजेता कोलंबिया था। 32वां डोरंड कप 2023 फाइनल कोलकाता में हुआ था, विजेता मोहन बगान था और उपविजेता ईस्ट बंगाल था। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 विजेता भारत था, उपविजेता कुवैत था। 3रा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 विजेता भारत था और उपविजेता लेबनान था। 76वीं संतोष ट्रॉफी 2022-23
आयोजन इसका रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ। विजेता कर्नाटक था और उप विजेता मेघालय था। आठवां इंडियन सुपर लीग 2022-23, तो इसमें विजेता ATK मोहन बगान था और उप विजेता बेंगलुरु FC था। बैडमिंटन, तो इसमें मलेशिया मास्टर्स कप हुआ था 2023 में, इसमें विजेता HS प्रणय थे और उप विजेता अकाने यामा गुची थे। उबेर कप 2022 ये थाईलैंड में हुआ, फाइनल विजेता दक्षिण कोरिया था और उप विजेता चीन था। थॉमस कप 2022, तो इसमें जो फाइनल हुआ था थाईलैंड में हुआ था, विजेता भारत था और उप विजेता इंडोनेशिया था। हॉकी में, तो 15वां हॉकी पुरुष विश्व कप 2023, इसका आयोजन उड़ीसा भारत में हुआ था, विजेता जर्मनी था और उप विजेता बेल्जियम था। फिर FIH महिला विश्व कप 2022, तो इसका आयोजन स्पेन नीदरलैंड में हुआ था और इसमें विजेता नीदरलैंड था और उप विजेता जर्मनी था। अजलान शाह हॉकी कप 2024, तो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था, विजेता जापान था, उप विजेता पाकिस्तान था। पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, तो इसका आयोजन चेन्नई भारत में हुआ, विजेता भारत था और उप विजेता मलेशिया था। शतरंज, तो फिडे वर्ल्ड कप 2023, ये इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ, विजेता मैग्नस कार्लसन थे नॉर्वे के और उप विजेता आर प्रज्ञानंद थे भारत के। 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ, विजेता डिंग लिरेन थे चीन के और उप विजेता इयान नेपोम नियातवी भारत के थे। 84वां शतरंज ओलंपियाड 2022, आयोजन चेन्नई में हुआ, विजेता उज्बेकिस्तान, उप विजेता आर्मेनिया और अगला होगा सितंबर 2024 में बुडापेस्ट में। फार्मेंटेरा और ओपन 2022 में हुआ, आयोजन इसका स्पेन में हुआ, विजेता डी गुकेस भारत के थे और उप विजेता के शशिकिरण भारत के थे। बिलियर्ड्स, तो बिलियर्ड्स विश्व चैंपियनशिप 2023, तो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था, उसमें विजेता कौन थे, पंकज आडवाणी और उप विजेता सौरभ कोठारी थे। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन दोहा कतर में हुआ, विजेता पंकज आडवाणी और उप विजेता ब्रजेश दमानी थे। अन्य खेल प्रतियोगिताएं, तो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023, आयोजन मेक्सिको में हुआ, प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया को मिला, भारत का स्थान छठवां था। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, इसका विजेता मिस्र था, उप विजेता मलेशिया था। विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2023, विजेता सैम बर्न्स अमेरिका था। कबड्डी, तो 10वां प्रो कबड्डी लीग 2022, ये विजेता पुनेरी पल्टन थी और उप विजेता हरियाणा स्टीलर्स थे। एशियाई पैरा खेल 2023, इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। एशियाई पैरा खेल, जिसे पैरा एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा विनियमित एक बहुखेल आयोजन है, जो शारीरिक रूप से विकलांग एथलीटों के लिए प्रत्येक एशियाई खेलों के बाद हर 4 साल में किया जाता है। चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2023 से चीन में हुआ। चौथे एशियाई पैरा खेल में चीन का प्रथम स्थान में भारत का 5वां स्थान रहा। एशियाई पैरा खेलों में मध्य प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता प्राची यादव, मनीष कौरव, सचिन खिलारी और दिलीप गावित थे। तो एशियाई पैरा खेल में भारत ने टोटल 111 पदक जीते, इसमें से 29 तो स्वर्ण पदक थे, 31 रजत पदक थे और 51 कांस्य पदक थे। टेनिस में, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता है, उप विजेता थे स्टेफनोस सित सिपास। महिलाओं में एरीना सबलिंका थी विजेता और उप विजेता थी एलेना राइबकीना। फ्रेंच ओपन 2023 में विजेता नोवाक जोकोविच, उप विजेता कैस्पर रूड, विजेता महिलाओं में इगा स्वेटक थी और उप विजेता कैरोलिना मुचोबा थी। विंबलडन जो हुआ था ओपन 2023 में, कार्लोस अल्काराज थे। पुरुषों में उप विजेता कौन थे, नोवाक जोकोविच। महिलाओं में मार्केटा बोंद्रेसोवा विजेता थी और ओन्स जेब्यूर ये उप विजेता थी। US ओपन 2023, इसमें नोवाक जोकोविच थे और उप विजेता कौन थे, डेनियल मेदवेदेव। विजेता महिलाओं में कोको गाफ और उप विजेता आरना सबलिंका थी। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, इसमें पुरुष एकल में विजेता कौन थे, जन्निक सिनर इटली के थे और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के थे। महिला एकल में एरीना सबलिंका बेलारूस की थी और झेंग किनवेन उप विजेता थी, चीन की थी। पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना भारत के थे और मैथ्यू
एबडन भारत के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। उपजेता में पुरुष युगल में सिमोन बोलेली इटली के थे और एंड्रिया बाबा सॉरी इटली के थे। अब खेल आयोजन स्थल, तो 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा टोक्यो में होगा, जापान में 2021 में हो चुका है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में 2024 को होने वाला है। 34वां ग्रीष्मकालीन खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। फिर 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान व कोटिना इटली में होगा 2026 में। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक गेंगवान दक्षिण कोरिया 2024 में होगा, और कहाँ होगा, डकार सेनेगल में 2026 में। राष्ट्रमंडल खेल तो 22वां बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ 2022 में। 23वां कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 में। और 24वां राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में होगा 2030 में। एशियाई गेम्स तो 19वां कहाँ हुआ, हांगझोउ चीन में हुआ 2022 में। 20वां कहाँ हुआ, नगोया जापान में 2026 में। 21वां एशियाई खेल दोहा कतर 2030 में होगा, और 22वां एशियाई खेल रियाद सऊदी अरेबिया 2034 में होगा। हॉकी प्रतियोगिताएं, 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी ये भुवनेश्वर राव के राहुल केरा राहुल केरा भारत में हुआ 2023 में। 16वां पुरुष विश्व कप हॉकी ये बेल्जियम नीदरलैंड में होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 में। फिर महिला फुटबॉल जो महिला हॉकी विश्व कप ये स्पेन नीदरलैंड में होगा 2022 में, या हो चुका है। क्रिकेट प्रतियोगिताएं तो 13वां विश्व कप भारत में हुआ 2023 में। 14वां विश्व कप कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया में 2027 में। फिर 15वां विश्व कप भारत और बांग्लादेश में होगा 2031 में। 10वां आईसीसीआई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा 2025 में। 11वां आईसीसीआई चैंपियन ट्रॉफी भारत में होगी 2029 में। 9वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप यूएसए एंड वेस्टइंडीज में होगा 2024 में। 10वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में होगा 2026 में। फुटबॉल प्रतियोगिताएं तो 13वां फीफा फुटबॉल विश्व कप यूएसए मेक्सिको कनाडा में होगा 2026 में। 14वां सॉरी 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप मोरक्को पुर्तगाल और स्पेन में होगा 2030 में। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप सऊदी अरेबिया 2034 में होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होगा 2000 भारत में हो चुका है 2022 में। नोट, 2030 फीफा विश्व कप में उरुग्वे अर्जेंटीना पैराग्वे फीफा विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। अन्य खेल प्रतियोगिताएं तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप डेनमार्क में होगी 2023 में हो गई। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में हुई होगी 2026 में। फिर 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में 2023 में हुआ। 6वां तमिलनाडु में 2024 में होगा। पुरुष रग्बी विश्व कप फ्रांस में होगा, फ्रांस में हुआ 2023 में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान में आयोजित था, 2024 में होना है। फिर 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में 2023 में। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में होंगे, 2023 में हुए। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी पूर्वोत्तर में, आई थिंक ये 5वां होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी पूर्वोत्तर राज्य में 2024 में। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 में, और 38वां राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में प्रस्तावित है। जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत ने 2026 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी से नाम वापस ले लिया। मई 2024 तक आयोजन स्थल तय नहीं हुआ है अभी। हम लोग कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर देखेंगे। तो गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश का स्थान दोस्तों चौथा था। चौथा, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अद्वैत पागे ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो अद्वैत पागे ये तैराकी से रिलेटेड है। 2022 खेलो यूथ इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश के किस शहर में इसका आयोजन हुआ? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इसका आयोजन हुआ था। 37वें राष्ट्रीय गेम 2023 में मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते थे? मध्य प्रदेश ने 115 पदक जीते, 112 पदक जीते थे। मध्य प्रदेश की अंजिता श्योली ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।
शिवेन सिंह को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 मिला? तो शिवेन सिंह को दोस्तों हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। आगे पढ़ेंगे, आईसीसी T20 विश्व कप 2023 की विजेता, 2023 की विजेता कौन थी? इंग्लैंड थी। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? हरियाणा ने जीता। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर का क्या नाम है? भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर का नाम क्या है? जयसिंथा कल्याण है। भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी जो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो ये है दोस्तों वैशाली रमेश बाबू। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये भारत में आया है प्रस्तावित। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये उपरोक्त दोनों को मिला, यानी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज दोनों को मिला है। 2023 में किसने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों? लॉस एंजलिस में 2028 में। फिर 32वें टोक्यो ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो भारत का ध्वजवाहक मैरी कॉम व मनप्रीत सिंह थे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश में मेजर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं, खेल संस्थाएं एवं अकेडमियां। तो इसमें हम लोग मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं देखेंगे, भारत की खेल संस्थाएं देखेंगे और विश्व खेल संस्थाएं देखेंगे। क्वेश्चन आ भी चुका है 2020 में कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लुसाने में है। मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, तो पारसी क्लब 1890 में बना था, इंदौर में है। स्नूकर क्लब 1875 में बना था, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 19 अक्टूबर 1946 को बना था, इंदौर में है। प्रथम मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में बना था, इंदौर में है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में है। मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन जबलपुर में, फुटबॉल और हॉकी जबलपुर में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर में है। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन 23 जनवरी 1952 को बना, जबलपुर में है। तो हॉकी फुटबॉल और ओलंपिक एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन इंदौर में है, क्रिकेट और स्नूकर इंदौर में। फिर मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन भोपाल में है। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन जो कि 1979 में बना था, जबलपुर में है। जबलपुर में चार एसोसिएशन है, कौन कौन से? हॉकी फुटबॉल ओलंपिक और एथलेटिक्स, सॉरी कराटे। एथलेटिक्स कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग 1975 भोपाल में है। उद्धव दास मेहता भारत खेल प्राधिकरण 1984 में बना, भोपाल में है। तो इसमें हम लोग मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में जबलपुर में की गई थी, बाद में इसका मुख्यालय इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, तो बाद में इसका जो मुख्यालय है कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? इंदौर। जबकि जो इसकी जो वास्तविक स्थापना 1940 में हुई थी तब इसका मुख्यालय जबलपुर में था। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में जबलपुर में की गई थी, बाद में इसका मुख्यालय इंदौर किया गया। मध्य प्रदेश की अन्य खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमी, तो मध्य प्रदेश रोइंग अकादमी कहाँ है? भोपाल में है। गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकेडमी, गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकेडमी जबलपुर में है। शिशु कुंज स्विमिंग अकेडमी इंदौर में है। SAI नेशनल जूडो अकेडमी भोपाल में है। SAI नेशनल एथलेटिक्स अकेडमी भोपाल में है। भारत की खेल संस्थाएं देखते हैं, तो पारसी क्रिकेट क्लब या ओरिएंटल क्रिकेट क्लब ये बम्बई में है, 1848 में बना, मुंबई में 1848 में बना। बंगाल हॉकी एसोसिएशन कोलकाता में है, 1908 में बना। अखिल भारतीय टेनिस संघ दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ दिल्ली में है, 1927 में बनता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड BCCI मुंबई में है, इसका मुख्यालय 1928 में बना। भारतीय बैडमिंटन संघ, भारतीय बैडमिंटन संघ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1934 में बना। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1950 में बना। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1951 में बना। फिर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, 1937 में बना। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है, 1961 में बनता है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ गुड़गांव में है, 1984 16 मार्च 1984 को बनता है। भारतीय खेल प्राधिकरण, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, 1984 में ही बनता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 2005 को बनता है। हॉकी इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 2009 को बनता है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स
स्टेडियम फैजाबाद अयोध्या में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान गोंदिया महाराष्ट्र में है, 2007 में बनता है। मैचोर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय पहले जयपुर में स्थित था, बाद में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। विश्व की खेल संस्थाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका जो मुख्यालय है लुसाने में है स्विट्जरलैंड, उसकी स्थापना 23 जून 1994 को हुई थी। विश्व रग्बी संघ की मुख्यालय है डबलिन आयरलैंड में है, 1986 में बनाई। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का जो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, 21 मई 2000 21 मई 1904 को इसकी स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, 19 जुलाई 1908 को ये बनता है। आईसीसी, इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, 15 जून 1909 को ये बनता है। फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, मोनाको में है, इसका मुख्यालय 17 जुलाई 1912 को बनता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका मुख्यालय लुसाने में है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है और विश्व तिरंदाजी संघ है, विश्व तिरंदाजी संघ लुसाने में। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, 7 जनवरी 1924 को बनता है। विश्व तिरंदाजी संघ, इसका मुख्यालय लुसाने में है, इसको 1931 में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ, इसका मुख्यालय लंदन में है, 1 मार्च 1913 को बनता है ये। विश्व बैडमिंटन संघ, इसकी मुख्यालय है कोलालंपुर मलेशिया में है, 5 जुलाई 1934 को बनता है ये। विश्व बॉक्सिंग फेडरेशन, इसका जो मुख्यालय है स्प्रिंग फील्ड न्यू जर्सी यूएसए में है, 1983 में बनता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, मॉन्ट्रिया कनाडा में है, 10 नवंबर 1999 को बनता है ये। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, इसका मुख्यालय जयपुर में है और 2004 में बनता है ये। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन को वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ प्रमुख खेल अकादमियां हैं, इसमें हम लोग मध्य प्रदेश की खेल अकादमियों को जानेंगे और भारत की खेल अकादमियों के बारे में जानेंगे। इसमें क्वेश्चन 2020 में आ भी चुका है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है, तो ये जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश की खेल अकेडमियों के बारे में देखते हैं, तो मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी कहाँ है, ग्वालियर में है, 2006 में बनती है। मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी भोपाल में है, 2007 में बनती है। मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकेडमी भोपाल में है, 2007 में बनती है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट अकेडमी भोपाल में है, 2007 में बनती है। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी भोपाल में है, 2007 में बनती है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी भोपाल में है, 2007 में बनती है। मध्य प्रदेश स्विमिंग अकेडमी होशंगाबाद में है, 2008 में बनती है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकेडमी ग्वालियर में है, 2010 में बनती है। मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकेडमी भोपाल में जबलपुर में है, सॉरी 2013 में बनती है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकेडमी भोपाल में है, 2016 में बनती है। मध्य प्रदेश क्रिकेट अकेडमी शिवपुरी में है, 2016 में बनती है। मध्य प्रदेश मलखम अकेडमी उज्जैन में है, 2018 में बनती है। मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट अकेडमी शिवपुरी में है, 2022 में बनती है। मध्य प्रदेश फेंसिंग एंड तलवारबाजी अकेडमी भोपाल में। खेलो इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त खेल अकेडमियाँ, तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी बेंगलोर में है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी बेंगलोर में है। सुरजीत हॉकी अकेडमी पुरुष जलंधर में है। खालसा हॉकी अकेडमी महिलाओं की अमृतसर में है। बिरसा मुंडा तिरंदाजी अकेडमी सिली रांची में है। एथलेटिक्स आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में है। फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी हैदराबाद में है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकेडमी बेंगलोर में है। मेरी कॉम बॉक्सिंग अकेडमी इम्फाल में है। गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकेडमी पुणे और जबलपुर में है। रमन टेबल टेनिस अकेडमी चेन्नई में, रमन टेबल टेनिस अकेडमी चेन्नई में है। भारत के प्रमुख खेल अकेडमी, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त जो अकेडमियाँ हैं, तो SAI राष्ट्रीय तिरंदाजी अकेडमी सोनीपत गुवाहाटी में है। SAI राष्ट्रीय अकेडमिक राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकेडमी, ये भी सोनीपत में है। SAI राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्प्रिंट एंड पोल वॉल्ट अकेडमी JNS दिल्ली में है। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्प्रिंट एंड जंप अकेडमी तिरुवनंतपुरम में है। फिर राष्ट्रीय एथलेटिक्स मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस अकेडमी भोपाल में है। क्षेत्रीय बैडमिंटन अकेडमी गुवाहाटी भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक इम्फाल में है। फिर राष्ट्रीय साइकिलिंग अकेडमी दिल्ली और गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। राष्ट्रीय जिमनास्ट अकेडमी कोलकाता और दिल्ली में है। राष्ट्रीय हॉकी अकेडमी दिल्ली में है। राष्ट्रीय जूडो अकेडमी भोपाल और इम्फाल में है। पुरुष कबड्डी अकादमी गांधीनगर में है।
राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी गांधीनगर में है, राष्ट्रीय रोइंग स्पोर्ट्स एकेडमी अलेप्पी और जगतपुर में है, राष्ट्रीय शूटिंग एकेडमी दिल्ली में है, राष्ट्रीय स्विमिंग एकेडमी दिल्ली में है, टेबल टेनिस एकेडमी कोलकाता में है, राष्ट्रीय भारोत्तोलक एकेडमी कहाँ है, औरंगाबाद और इम्फाल में, राष्ट्रीय कुश्ती एकेडमी पुरुषों में सोनीपत में है और महिलाओं की लखनऊ में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशन यानी प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं को देखेंगे। तो इसमें हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल, उनका पूरा इतिहास वगैरह देखेंगे, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट संबंधी, फुटबॉल संबंधी, टेनिस संबंधी और हॉकी संबंधी खेलों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन भी आ गए हैं, जैसे 2020 में क्या आया था, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था, तो कर्णम मलेश्वरी ने जीता था। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जोस के सम्मान में खेला गया। ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईसा तक खेले गए। फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 1896 को फ्रांस के बेरिन पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ओलंपिक खेल समिति या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। ये ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस समिति की एक कार्यकारिणी होती है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अब तक के अध्यक्ष तो डिमिट्रियास बिकेलास यूनान के थे 1894 से 1896 के बीच में। फिर बैरोम पियरे डी कोबर्टिन फ्रांस के थे 1896 से 1925 तक। फिर काउंट हेनरी डी बैलेट लटूर ये बेल्जियम के थे 1925 से 42। सिगफ्रिड एड्स ट्रोड स्वीडन के थे 1946 से 52। एबरी बुंडेज ये अमेरिका के थे 52 से 72। लॉर्ड किनानिन ये आयरलैंड के थे 1972 से 80। जुआन एंटीनियो समाम रांच ये स्पेन के थे 1980 से 2001 तक। फिर जैक्यूस रग ये बेल्जियम के थे 2001 से 2013 और थॉमस बाक ये जर्मनी के हैं 2013 से वर्तमान में ये अध्यक्ष बने हुए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ तो अस्थायी भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना फरवरी 1924 में की गई थी। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया। इसके संस्थापक अध्यक्ष सर दुराबजी टाटा एवं सचिव डॉक्टर ए जी नोएरेन थे। भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। ओलंपिक के आदर्श तो इसमें हम लोग सबसे पहले ओलंपिक के आदर्शों में उसका उद्देश्य या उसके ध्येय वाक्य देखेंगे, मोटो देखेंगे उसका, ओलंपिक फ्लैग के बारे में देखेंगे, ओलंपिक मशाल के बारे में देखेंगे और ओलंपिक पदक के बारे में देखेंगे। तो इसका उद्देश्य आदर्श वाक्य क्या है, तो लैटिन शब्द सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर ओलंपिक के उद्देश्य है। इसका अर्थ है फास्टर यानी तेज, हायर यानी ऊंचा, स्ट्रॉन्गर यानी बलवान, एकजुटता यानी टुगेदरनेस। मत इसमें ओलंपिक 2021 में कम्युनिटर शब्द को आदर्श वाक्य से जोड़ा गया था। ओलंपिक ध्वज ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक ध्वज का सृजन 1913 में किया गया, सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए जाते हैं। ये है ओलंपिक ध्वज। नीला चक्र यूरोप को प्रदर्शित करता है, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को और लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक मशाल, ओलंपिक मशाल को जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। इस मशाल को यूनान ग्रीस के
ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। इसे विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा आयोजन स्थल तक लाया जाता है। अब नेक्स्ट ओलंपिक पदक। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को तीन प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक। स्वर्ण पदक 60 मिलीमीटर वृत्त में एवं 3 मिलीमीटर मोटा होता है। यह 12.5, इसमें सिल्वर होता है, परतयुक्त 6 ग्राम सोने का होता है। जो सिल्वर मेडल होता है, ये 60 मिलीमीटर वृत्त में व 3 मिलीमीटर मोटाई वाला होता है। इसमें 92% सिल्वर का बना होता है। ये कांस्य पदक पूरी तरह कांस्य से बना होता है। तो स्वर्ण, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज जो मेडल है, क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। उच्च अन्य तत्व। तो महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 ईस्वी द्वितीय ओलंपिक से हुई थी। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी खिलाड़ियों, समस्त देशों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व के रूप में शपथ ग्रहण करता है। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा वर्ष 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक में प्रारंभ हुई। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे एवं मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। बची हुई देशों की टीमों का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में निर्धारित होता है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुआ। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है। रूस ने 55 स्वर्ण पदक 1988 के सियोल ओलंपिक में जीते थे। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह थे, जिन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक के 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव थी। लंदन पहला शहर है जिसने 3 ओलंपिक खेलों 1908, 1948 और 2012 में मेजबानी की है। 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल का इतिहास। तो 1948 में भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार लंदन ओलंपिक में भाग लिया। 1952 में हेलसिंकी गेम्स में भारतीय फुटबॉल टीम ने भाग लिया। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में भारत ने चौथे पायदान पर कब्जा किया और देश को फुटबॉल के प्रति प्रेरित किया। 1960 के रोम ओलंपिक गेम्स भारतीय फुटबॉल के इतिहास का आखिरी ओलंपिक रहा था। इसके बाद भारत ने फुटबॉल के जरिए इस प्रतियोगिता में कभी शिरकत नहीं की। चलिए अब ओलंपिक खेलों को आंकड़ों में देखते हैं। तो वर्ष 1896 में ये एथेंस यूनान में हुआ था। इस ओलंपिक में 9 खेल की 43 प्रतिस्पर्धाओं में 14 देशों के पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 1900 में पेरिस फ्रांस में हुआ, इसमें प्रथम बार महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। 1904 में सेंट लुइस यूएसए में हुआ। 1908 में लंदन में ब्रिटेन में हुआ। 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। 1916 में बर्लिन जर्मनी में हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थगित हो गया था। 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में हुआ। ओलंपिक ध्वज इसी ओलंपिक में फहराया गया। 1924 में पेरिस फ्रांस में हुआ। 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में हुआ। भारत ने सर्वप्रथम हॉकी में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। फिर 1932 में लॉस एंजलिस यूएसए में हुआ। 1936 में बर्लिन जर्मनी में हुआ। 1940 में टोक्यो जापान में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह स्थगित हो गया था। फिर 1944 में लंदन ब्रिटेन में, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित। फिर 1948 लंदन में। 1942 में हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ, इसमें केडी यादव ने पहली बार भारत के लिए कांस्य पदक जीता कुश्ती में। 1956 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 1960 में रोम इटली में हुआ, ओलंपिक खेलों का पहली बार टीवी पर प्रसारण हुआ। 1964 में टोक्यो जापान में हुआ। 1968 में मेक्सिको सिटी मेक्सिको में हुआ। शुभंकर ग्रेनोबिल की परंपरा इसी ओलंपिक से प्रारंभ हुई। कुल मिला के जो मैस्कॉट की जो परंपरा है इसी ओलंपिक से स्टार्ट हुई। फिर 1972 में म्यूनिक पश्चिम जर्मनी में हुआ। 1976 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। 1980 में मास्को में यह अंतिम ओलंपिक था जिसमें भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक मिला था। 1984 में लॉस एंजलिस में हुआ। 1988 में
सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ, 1992 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ, 1996 में अटलांटा में हुआ, लियंडर पेस ने टेनिस में एक कांस्य पदक जीता था, फिर 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, फिर 2004 में एथेंस यूनान में हुआ, राजवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीता, 2008 में बीजिंग चीन में हुआ, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत से सर्वप्रथम अभिनव बिंद्रा ने 10 एयर राइफल में स्वर्ण पदक अर्जित किया था बीजिंग में, फिर 2012 में लंदन में ब्रिटेन में हुआ, भारत ने भारत के प्रथम लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सुनील कुमार बने, 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ, इसमें भारत ने 2 पदक जीते, एक रजत पदक पीवी सिंधु ने पाया और दूसरा कांस्य पदक साक्षी मलिक को मिला, फिर 2021 में टोक्यो जापान में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण 2020 की जगह 2021 में हुआ ये, 2024 में पेरिस में फ्रांस में प्रस्तावित है, 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होगा प्रस्तावित, 5 नए खेल इसमें शामिल होंगे फुटबॉल T20 क्रिकेट लेकेरोस स्क्वेश और फ्लैग फुटबॉल, 2032 में ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा ये भी प्रस्तावित है। तो हमने शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक, तो शीतकालीन ओलंपिक खेल एक विशेष ओलंपिक खेल होते हैं जिसमें अधिकांशतः बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों की स्पर्धा होती है, शीतकालीन ओलंपिक का प्रारंभ 1924 में पेरिस में हुआ माना जाता है, इस तरह के खेल 1901 से 1926 के बीच यूरोप में स्वीडन में आयोजित कराए जाते थे जिन्हें नॉर्डिक गेम्स कहा जाता था, शीतकालीन ओलंपिक के जनक जनरल विक्टर गुस्ताफ बाल्क थे, शीतकालीन ओलंपिक में शामिल प्रमुख खेल तो आइस हॉकी है, अल्पाइन स्कीइंग है, फिर क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, कर्लिंग है, फ्री स्टाइल स्कीइंग है, फिर ल्यूज है, बायाथलॉन बबस्लेड है, स्केलेटन है, फिर स्पीड स्केटिंग है, स्नोबोर्डिंग है, फिगर स्केटिंग है और नॉर्डिक कंबाइंड है। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन पियोंगयांग दक्षिण कोरिया में हुआ, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ, 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन मिलानो कार्टिना इटली में होना है, 2030 का ओलंपिक आयोजन अभी डिसाइडेड नहीं है। पैरा ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें शारीरिक रूप अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। पैरा ओलंपिक खेल का अध्याय क्या है? स्पिरिट इन मोशन। पैरा ओलंपिक खेल की शुरुआत 1948 के लंदन ओलंपिक से हुई। पैरा ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ। 21 का पैरा ओलंपिक 2021 टोक्यो जापान में हुआ। पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ। पैरा ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में हुआ और पैरा ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2021 ओलंपिक खेल की जानकारी के लिए करंट अवेयर टॉपिक का अध्ययन करें जो कि हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग राष्ट्रमंडल खेलों की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था 2019 में कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम था तीसरा। पहले राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत अगस्त 1930 में हैमिल्टन लंदन में हुई। 1934 लंदन में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। पहले यह ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1942 से 46 में विश्व युद्ध के कारण खेल आयोजित नहीं हुए थे। खेल के प्रतीक लोगों का शुभारंभ वर्ष 1964 में पहली बार हुआ। 19वें राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली का आयोजन वर्ष 2010 में हुआ जिसका शुभंकर सेरा था। वर्तमान समय में 72 देशों की टीम इस खेल में भाग लेती है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ जिसमें भारत ने 4था स्थान प्राप्त किया। तो अब तक हुए राष्ट्रमंडल खेल तो 1930 में हैमिल्टन में हुआ, आयोजक देश कनाडा था, प्रथम स्थान इंग्लैंड को मिला। 1934 में लंदन में इसका आयोजन हुआ, आयोजक देश इंग्लैंड था और प्रथम स्थान इंग्लैंड को मिला। फिर 1938 में सिडनी में हुआ, आयोजक देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था और ऑस्ट्रेलिया ही इसमें विजेता रहा। फिर 1950 में ऑकलैंड में हुआ, इसमें आयोजक देश कौन था? न्यूजीलैंड था और जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फिर 1954 में वैंकूवर में हुआ,
आयोजक देश कौन था? कनाडा था। जीता किसने? इंग्लैंड ने। 1958 में कार्डिफ में हुआ, आयोजक देश ब्रिटेन था और इंग्लैंड जीता इसमें। 1962 में पर्थ में हुआ, आयोजक देश ऑस्ट्रेलिया था और ऑस्ट्रेलिया ही जीता इसमें। फिर 1966 में किंगस्टन में हुआ, जमैका आयोजक देश था और इंग्लैंड इसका विजेता था। फिर 1970 में एडिनबरा में हुआ और इसका जो आयोजक देश था कौन था? स्कॉटलैंड था और इसमें जीता ऑस्ट्रेलिया ने था। 1974 में ये क्राइस्ट चर्च में हुआ और आयोजक देश कौन था? न्यूजीलैंड था और ये ऑस्ट्रेलिया इसमें विजयी रहा। 1978 में एडमंटन में हुआ और आयोजक देश कनाडा था, कनाडा ही इसका विजेता रहा। 1982 में ब्रिस्बेन में हुआ, आयोजक देश ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड जीता। 1986 में एडिनबरा में हुआ, आयोजक देश स्कॉटलैंड था, ऑस्ट्रेलिया जीता। 1990 में ऑकलैंड में हुआ, आयोजक देश न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया जीता। 1994 में विक्टोरिया में हुआ, आयोजक देश कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया जीता। 1998 में कुआलालंपुर में हुआ, आयोजक देश मलेशिया था, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2002 में मैनचेस्टर में हुआ, आयोजक देश इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2006 में मेलबर्न में हुआ, आयोजक देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था और जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया ही जीता। 2010 में नई दिल्ली में हुआ, भारत आयोजक देश था और इंग्लैंड जीता। 2014 में ग्लासगो में हुआ, आयोजक देश स्कॉटलैंड था, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ और आयोजक देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2022 में बर्मिंघम में हुआ, आयोजक देश इंग्लैंड था, जीता ऑस्ट्रेलिया। 2026 में विक्टोरिया में होना है और आयोजन कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। और इसमें कुछ लोग हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो डेविड डिक्सन पुरस्कार, तो राष्ट्रमंडल खेल के सचिव डेविड डिक्सन के नाम पर 2002 में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। भारत के समरेश चंग निशानेबाजी को 2006 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का यह पुरस्कार सिंगापुर के टेबल टेनिस खिलाड़ी फेंग तयानवेई को मिला। 2022 राष्ट्रमंडल खेल की जानकारी के लिए, तो फिर कन्फ्यूजन पॉइंट, 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल से ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत ने अपना नाम वापस ले लिया है। मई 2024 तक आयोजन स्थल अभी भी तय नहीं हुआ। हमने एशियाई खेल, तो इसमें 2013 में क्वेश्चन आया था कि एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया? तो कमलजीत सिंधु ने उस समय जीता था। एशियाई खेलों की पृष्ठभूमि 1913 में हुए फार ईस्टर्न चैंपियनशिप गेम्स मानी जाती है। 1948 में भारतीय ओलंपिक कमेटी के प्रतिनिधि गुरुदत्त सोढ़ी ने एशियाई खेलों का प्रस्ताव रखा। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। 1951 के इस खेल का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। एशियाई खेल संघ ने चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया। फिर एशियाई खेल में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी सचिन नाग हैं। 1951 के तैराकी इवेंट में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधु हैं। 1970 में 400 मीटर दौड़ में 1951 एशियाई खेल में कुल 11 देशों ने भाग लिया, जबकि वर्तमान समय में एशियाई खेल में 45 देश भाग लेते हैं। एशियाई खेलों में शामिल राष्ट्र एवं खेल, तो 1951 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में। और कहाँ हुआ? भारत में, मतलब आयोजन स्थल नई दिल्ली में हुआ। आयोजक देश कौन था? भारत था। 1954 में मनीला में हुआ, फिलीपींस के मनीला में। 1958 में टोक्यो में हुआ, जापान के। 1962 में जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया के। 1966 में बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड के। 1970 में बैंकॉक, थाईलैंड। 1974 में तेहरान, ईरान के। 1978 में बैंकॉक, थाईलैंड। 1982 के नई दिल्ली में हुआ फिर से, तो नई दिल्ली में 51 में हुआ, 82 में हुआ भारत। फिर 1986 में सियोल में हुआ, दक्षिण कोरिया में, सियोल दक्षिण कोरिया। फिर 1990 में बीजिंग में, चीन। 1994 में हिरोशिमा में, जापान। फिर 1998 में बैंकॉक, थाईलैंड में। 2002 में बुसान, दक्षिण कोरिया में। 2006 में दोहा, कतर में। 2010 में गुआंगझू में, चीन में। फिर 2014 में इचियोन में, दक्षिण कोरिया में। 2018 में जकार्ता, इंडोनेशिया में। 2023 में हांगझोउ, चीन में। 2026 में नगोया, जापान में प्रस्तावित है। 2030 का दोहा, कतर में प्रस्तावित है। और 2034 का रियाद, सऊदी अरब में आयोजित है।
निष्ठ है क्रिकेट संबंधी प्रतियोगिताएं, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक दिवसीय क्रिकेट, विश्व कप T20 और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, और घरेलू स्तर की जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें रणजी ट्रॉफी है, रानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है और WPL है। 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था, ये क्वेश्चन आया था MPPFC 2017 में, रिलायंस कप इसका नाम था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप प्रत्येक चौथे वर्ष में वनडे विश्व कप क्रिकेट खेला जाता है। पहला वनडे विश्व कप 1975 में खेला गया था। विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब 1992 से प्रारंभ हुआ था। अभी तक हुए वनडे विश्व कप तो पहला जो हुआ था ये 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। इसमें वेस्टइंडीज जीता था और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रही थी, और आयोजक कंपनी कौन थी, प्रूडेंशियल बीमा कंपनी। फिर 1979 में भी इंग्लैंड में हुआ, वेस्टइंडीज जीता, इंग्लैंड उप विजेता रहा और प्रूडेंशियल बीमा कंपनी आयोजक कंपनी रही। 1983 में इंग्लैंड में फिर से होता है, भारत विजेता रहा, वेस्टइंडीज उप विजेता रहा और प्रूडेंशियल बीमा कंपनी आयोजक थी। फिर 1987 में भारत और पाकिस्तान में होता है, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, इंग्लैंड उप विजेता रहा और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से इसको या कंपनी ने इसका आयोजन किया था। फिर 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, पाकिस्तान जीता, इंग्लैंड उप विजेता रहा, मार्टिन क्रो ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, पहली बार न्यूजीलैंड का पहले ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे मार्टिन क्रो, और बेंसन एंड हेजेस कंपनी इसकी आयोजक थी। 1996 में भारत श्रीलंका पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका जीता, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा, सनत जयसूर्या मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे और ICC बिल्स ने इसको आयोजन किया था। 1999 में फिर से इंग्लैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, पाकिस्तान उप विजेता रहा, लांस क्लूजनर दक्षिण अफ्रीका के ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। फिर 2003 में दक्षिण अफ्रीका में होता है, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, भारत उप विजेता रहा, सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे भारत के। फिर 2007 में होता है, वेस्टइंडीज में होता है ये, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, श्रीलंका विजेता रहा, ग्लेन मैकग्रॉथ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहते हैं। 2011 में भारत श्रीलंका बांग्लादेश में हुआ, भारत विजेता रहा, श्रीलंका विजेता रहा, युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं भारत के। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, न्यूजीलैंड विजेता रहा, मिचेल स्टार्क यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के हैं ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं। फिर 2019 में इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड विजेता रहा, न्यूजीलैंड उप विजेता रहा, केन विलियमसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं। 2023 में भारत में हुआ, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, भारत उप विजेता रहा, विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहते हैं। पिंक टेस्ट मैच, तो विश्व में पहली बार 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेड में खेला गया। भारत में पहली बार 2019 को भारत और बांग्लादेश के बीच दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया। T20 क्रिकेट विश्व कप समानता प्रत्येक दूसरे वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। अगला T20 विश्व कप 2024 वेस्टइंडीज में खेला जाएगा, तो USA और वेस्टइंडीज में खेला जा रहा है। तो T20 विश्व कप 2007 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, भारत विजेता रहा और उपविजेता पाकिस्तान रहा। 2009 में इंग्लैंड विजेता रहा, पाकिस्तान उपविजेता रहा, सॉरी इंग्लैंड में हुआ ये और पाकिस्तान इसमें विजेता रहा और श्रीलंका उपविजेता रहा। 2010 में वेस्टइंडीज में होता है और इसमें इंग्लैंड विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा। 2012 में श्रीलंका में होता है, वेस्टइंडीज इसमें विजेता रहा और श्रीलंका उपविजेता रहा। 2014 में बांग्लादेश में होता है, श्रीलंका विजेता रहा और भारत उपविजेता रहा। फिर 2016 में भारत में होता है, वेस्टइंडीज विजेता रहा, इंग्लैंड उपविजेता रहा। 2021 में UAE रहा, UAE में हुआ, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और न्यूजीलैंड उपविजेता रहा। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंग्लैंड विजेता रहा और पाकिस्तान उपविजेता रहा। 2024 में वेस्टइंडीज और USA में हो रहा है, अभी चल ही रहे हैं मैच, देखते हैं कौन विजेता बनता है, कौन उपविजेता बनता है। रेड में होने वाले मैचों की समान जानकारी, तो मैच का प्रकार T20, इसमें प्रत्येक टीम को 20 ओवर मिलते हैं। उच्चतम स्कोर इसमें एरोन फिंच का है 172 रन ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। एक दिवसीय मैच वनडे होता है, इसमें प्रत्येक टीम को 50 ओवर मिलते हैं। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 264। टेस्ट मैच इसमें 5 दिन का मैच होता है, प्रत्येक दिन 90 ओवर डाले जाते हैं और ब्रायन लारा ने इसमें एक प्रकार से 400 रन बनाए थे, वेस्टइंडीज के सर्वाधिक रन। अभी तक इतना इससे ज्यादा रन या इतना ही रन किसी ने बनाया नहीं। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप
आईसीसी विश्व चैंपियनशिप क्रिकेट की प्रतियोगिता है। इसका पहला संस्करण 2019 से 21 के मध्य खेला गया। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण की विजेता टीम न्यूजीलैंड थी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण की उपविजेता टीम भारत थी। इसका दूसरा संस्करण 2021 से 23 के मध्य खेला गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया थी, उपविजेता भारत थी। तीसरा जो संस्करण है 2023 से 25 के बीच में खेला जाएगा। क्रिकेट में प्रतिवर्ष एशेज श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के देश के मध्य खेली जाती है। क्रिकेट में प्रतिवर्ष बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य खेली जाती है। क्रिकेट में एंथनी डी मेलो ट्रॉफी या पटौदी ट्रॉफी भारत और इंग्लैंड के मध्य खेली जाती है। बॉक्सिंग डे टेस्ट प्रतिवर्ष 26 से 30 दिसंबर के मध्य खेला जाता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट प्रतिवर्ष। अब घरेलू या राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताएं, तो सबसे फेमस है रणजी ट्रॉफी। बेसिकली इसकी शुरुआत 1934-35 से हो गई थी। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस ट्रॉफी का नाम पूर्व क्रिकेटर रणजीत सिंह जडेजा के नाम पर रखा गया है। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। पहली बार रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीता था। मध्य प्रदेश ने पहली बार 2022 में रणजी ट्रॉफी जीती। ईरानी ट्रॉफी, इसकी शुरुआत 1959-60 से होती है। ईरानी ट्रॉफी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस ट्रॉफी का नाम पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जेड आर ईरानी के नाम पर रखा गया है। पहली बार ईरानी ट्रॉफी मुंबई ने जीती थी। दिलीप ट्रॉफी, तो इसकी शुरुआत 1961-62 से होती है। दिलीप ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसका नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप सिंह के नाम पर रखा गया। पहले यह प्रतियोगिता 5 जोन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल के मध्य हुआ करती थी। वर्तमान में प्रतियोगिता बीसीसीआई द्वारा इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन, इंडिया ग्रे के मध्य आयोजित की जाती। पहली बार दिलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन ने जीती थी। देवधर ट्रॉफी, तो इसकी शुरुआत 1973-74 से हुई। देवधर ट्रॉफी भारत की एक दिवसीय 50 ओवर की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस ट्रॉफी का नामकरण पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रोफेसर डीवी देवधर के नाम पर किया गया था। पहले यह प्रतियोगिता 5 जोन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल के मध्य खेली जाती थी। वर्तमान में यह प्रतियोगिता भारत ए, भारत बी, भारत सी के नाम से खेली जाती है। पहली बार देवधर ट्रॉफी साउथ जोन ने जीती थी। विजय हजारे ट्रॉफी, इसका शुरुआत 2002-03 में होती है। विजय हजारे ट्रॉफी भारत की एक दिवसीय 50 ओवर की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस ट्रॉफी का नामकरण पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर किया गया है। वर्तमान में इस प्रतियोगिता में 38 टीमें भाग लेती हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसकी शुरुआत 2006-07 में होती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की T20 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस ट्रॉफी का नामकरण पूर्व भारतीय क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर किया गया है। पहली बार यह ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती थी। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, तो बीसीसीआई के द्वारा आयोजित भारत की क्रिकेट लीग है। इसका प्रथम संस्करण 2008 में खेला गया था। आईपीएल शुरू करने का श्रेय ललित मोदी को दिया जाता है। आईपीएल में व्यक्तिगत उच्चतम स्कोर क्रिस गेल का है 175 रन। आईपीएल इतिहास का पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम थे, कोलकाता नाइट राइडर्स से उस समय खेलते थे 2008 में। आईपीएल में शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे था आरसीबी के। आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली है, इन्होंने 7 शतक लगाए हैं। आईपीएल के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली है 972। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दी जाती है और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप दी जाती है। सर्वाधिक आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन है? चेन्नई सुपर किंग और उसके बाद है मुंबई इंडियन। तो अभी तक खेले गए आईपीएल विजेता और उनके उपविजेता जो है, 2008 में राजस्थान रॉयल्स विजेता बना, चेन्नई सुपर किंग उपविजेता थी। 2009 में डेक्कन चार्जर्स विजेता थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी उपविजेता थी। 2010 में चेन्नई सुपर किंग विजेता रही, मुंबई इंडियंस उपविजेता थी। 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही, आरसीबी उपविजेता रही। फिर 2012 में केकेआर विजेता रही, सीएसके उपविजेता रही। 2013 में मुंबई इंडियंस विजेता रही, सीएसके उपविजेता रही। 2014 में केकेआर विजेता रही और किंग इलेवन पंजाब उपविजेता रही। 2015 में मुंबई इंडियंस विजेता रही और सीएसके उपविजेता रही। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद विजेता रही, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी उपविजेता रही। 2017 में मुंबई इंडियंस फिर से जीतती है और सनराइजिंग पुणे सुपर जायंट आरपीएससी उपजेता रही है टीम। 2018 में सीएसके जीतती है, फिर एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद उपजेता रही। 2019 में मुंबई इंडियंस
चेन्नई सुपर किंग उपजेता रही। 20 में भी मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल उपजेता रही। 2021 में चेन्नई सुपर किंग KKR उपजेता रही। 2022 में गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स यहाँ पर उपजेता रही। फिर 2023 में CSK रही और गुजरात टाइटंस उपजेता रही। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR उपजेता रही और SRH उपजेता रही। फिर वुमेन प्रीमियम लीग भी खेली जाने लगी है, तो उसकी शुरुआत 2023 से हो गई है। महिला प्रीमियम लीग भारत में महिलाओं की क्रिकेट T20 फ्रेंचाइजी लीग है। इसका संचालन भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। इसका पहला सीजन 2023 में मुंबई में खेला गया। इसके पहले संस्करण की विजेता मुंबई इंडियंस ही थी। वर्तमान जो वुमेन प्रीमियर लीग है उसमें 5 फ्रेंचाइजी भाग लेती हैं, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियंस, RCB और UP वॉरियर्स। और पहली बार कौन विजेता थी? मुंबई इंडियंस पहली बार इसने जीता था। और दूसरा जो लीग हुआ है उसमें RCB विजेता रही। फुटबॉल संबंधी प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीफा वर्ल्ड कप होता है, यूरो कप होता है, कोपा कप होता है और राष्ट्रीय स्तर पर डूरंड कप, फेडरेशन कप, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी होती है। इसमें क्वेश्चन आ गया है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। 2012 में क्वेश्चन आया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है, इसकी शुरुआत 1930 से होती है। फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता फुटबॉल विश्व कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। पहली बार फुटबॉल विश्व कप का विजेता देश कौन था? उरुग्वे था। फुटबॉल विश्व कप विजेता को जुल्स रिमेट ट्रॉफी दी जाती है जो 1800 ग्राम स्वर्ण से निर्मित होती है। विश्व कप फुटबॉल में भाग लेने वाली टीमों की संख्या पूर्व में 24 थी, जिसे 1988 में बढ़ाकर 32 कर दिया गया है। वर्तमान में फुटबॉल विश्व कप में लगभग 32 टीमें भाग लेती हैं। 1991 में महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन पहली बार चीन में किया गया था। ब्राजील ने सर्वाधिक 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता। फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित पुरस्कार, तो गोल्डन बूट अवार्ड यह पुरस्कार फुटबॉल फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ स्कोरर को दिया जाता है। गोल्डन बॉल पुरस्कार यह पुरस्कार प्रत्येक फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड यह पुरस्कार फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। फीफा बैलोन डी ओर पुरस्कार यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को प्रत्येक वर्ष फ्रांस फुटबॉल क्लब के द्वारा दिया जाता है। 2023 तक लियोन मेसी ने बैलोन डी पुरस्कार 8 बार जीत चुके हैं। तो अब फीफा विश्व कप विजेता जो पुरुष टीम है उसमें देख लेते हैं। तो 1930 में उरुग्वे में ये हुआ था, मेजबान देश था, विजेता उरुग्वे ही था और अर्जेंटीना उपजेता रहा। 1934 में इटली में होता है, इटली विजेता रहा और चेकोस्लाविया उपजेता रहा। फिर 1938 में फ्रांस में होता है, इटली फिर से विजेता रहा और हंगरी उपजेता रहा। 1950 में ब्राजील में होता है, उरुग्वे विजेता रहा और ब्राजील उपजेता रहा। 1954 में स्विट्जरलैंड में होता है, पश्चिमी जर्मनी विजेता रहा और हंगरी उपजेता रहा। 1958 में स्वीडन में होता है, ब्राजील विजेता रहा और स्वीडन उपजेता रहा। 1962 में चिली में होता है, ब्राजील विजेता रहा और चेकोस्लाविया उपजेता रहा। 1966 में इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड विजेता रहा और पश्चिमी जर्मनी उपजेता रहा। 1970 में मेक्सिको में हुआ, ब्राजील विजेता रहा और इटली उपजेता रहा। फिर 1974 में पश्चिमी जर्मनी में हुआ, पश्चिमी जर्मनी विजेता रहा और नीदरलैंड उपजेता रहा। 1978 में अर्जेंटीना में हुआ, अर्जेंटीना विजेता रहा और नीदरलैंड उपजेता रहा। 1982 में स्पेन में हुआ, इटली विजेता रहा, पश्चिमी जर्मनी उपजेता रहा। 1986 में मेक्सिको में अर्जेंटीना विजेता रहा और पश्चिमी जर्मनी उपजेता रहा। 1990 में इटली में होता है, पश्चिमी जर्मनी विजेता और अर्जेंटीना उपजेता। 1994 में USA में होता है, ब्राजील विजेता और इटली उपजेता। 1998 में फ्रांस में होता है, फ्रांस विजेता, ब्राजील उपजेता। 2002 में दक्षिण कोरिया और जापान में होता है, ब्राजील विजेता और जर्मनी उपजेता। 2006 में जर्मनी में होता है, इटली विजेता, फ्रांस उपजेता। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में होता है, स्पेन विजेता, नीदरलैंड उपजेता। 2024 में ब्राजील में होता है, जर्मनी विजेता और अर्जेंटीना उपजेता रहा। 2018 में रूस में होता है, फ्रांस विजेता रहा, क्रोशिया उपजेता रहा। 2022 में कतर में होता है, अर्जेंटीना विजेता रहा और फ्रांस उपजेता रहा। 2026 में USA, कनाडा और मेक्सिको में होने वाला है। अब देखते हैं यूरो कप, तो इसकी शुरुआत 1960 से हुई है। इसमें यूरोपीय देश ही भाग ले सकते हैं। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। यूरो का प्रथम विजेता सोवियत संघ रूस था। सबसे अधिक बार यूरो कप जर्मनी और स्पेन ने जीता है। यूरो कप 2020 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ, जिसका विजेता इटली एवं उपविजेता इंग्लैंड था। यूरो कप का 17वां संस्करण 14 जून से
14 जुलाई 2024 के बीच जर्मनी में खेला जाना है। कोपा विश्व कप, कोपा कप जिसकी शुरुआत 1916 में होती है, इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ही भाग ले सकते हैं कोपा कप में। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। 2021 का आयोजन ब्राजील में हुआ, इसका विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता ब्राजील था। आगामी कोपा कप का आयोजन कब होगा? 2024 में यूएसए में होगा। अब राष्ट्रीय स्तर की में होने वाली फुटबॉल प्रतियोगिताएं हैं तो डूरंड कप, इसकी शुरुआत 1888 में होती है। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी सह मेजबानी डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा की जाती है। द रोवर्स कप, इसकी शुरुआत 1890 में होती है। रोवर्स कप भारत में आयोजित एक वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट था। 2001 में इस टूर्नामेंट को समाप्त कर दिया गया। रोवर्स कप का आयोजन वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया था। संतोष ट्रॉफी, इसकी शुरुआत 1941 से होती है। बंगाल 1941 से 42 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता था। इसे हीरो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। इस ट्रॉफी का नामकरण पश्चिमी ब्राजील के संतोषा क्षेत्र के अंतिम राजा मनमथ राय चौधरी के द्वारा किया गया था, या उनके नाम पर किया गया था। सुब्रतो राय कप इसकी शुरुआत 1960 से हुई। इस टूर्नामेंट का नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। फेडरेशन कप, इसकी शुरुआत 1970 में होती है। इसे हीरो फेडरेशन कप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक नॉकआउट स्टाइल का क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसके प्रथम विजेता 1977-78 में भारतीय टेलीफोन उद्योग रहा है। अब हम लोग हॉकी संबंधी प्रतियोगिताओं को देखेंगे तो एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ था, का प्रारंभ वर्ष क्या है। तो ये 2013 से हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई थी। 2014 में क्वेश्चन भी आया था। हॉकी विश्व कप, इसकी शुरुआत 1971 से हुई। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। हॉकी विश्व कप का प्रथम विजेता पाकिस्तान था। 1974 में महिला हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई, जिसका प्रथम विजेता हॉलैंड था। तो अभी तक आयोजित हॉकी विश्व कप तो 1971 में स्पेन में हुआ, विजेता पाकिस्तान रहा, उपविजेता स्पेन रहा। 1973 में नीदरलैंड में हुई, नीदरलैंड विजेता रहा, भारत उपविजेता रहा। 1975 में मलेशिया में हुई, भारत विजेता रहा, पाकिस्तान उपविजेता रहा। 1978 में अर्जेंटीना में हुई, पाकिस्तान विजेता रहा, नीदरलैंड उपविजेता रहा। 1982 में भारत में हुई, पाकिस्तान विजेता रहा, वेस्ट इंडीज बनी उपविजेता रहा। 1986 में इंग्लैंड में हुई, नीदरलैंड विजेता रहा, इंग्लैंड उपविजेता रहा। 1990 में पाकिस्तान में हुई, नीदरलैंड विजेता रहा, पाकिस्तान उपविजेता रहा। 1994 में ऑस्ट्रेलिया में हुई, पाकिस्तान विजेता रहा, नीदरलैंड उपविजेता रहा। 1998 में नीदरलैंड में हुई, नीदरलैंड विजेता रहा, स्पेन उपविजेता रहा। 2002 में मलेशिया में हुई, जर्मनी विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा। 2006 में जर्मनी में हुई, जर्मनी विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा। फिर 2010 में भारत में होती है, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, जर्मनी उपविजेता रहा। 2014 में नीदरलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया फिर से विजेता रहा, नीदरलैंड उपविजेता रहा। फिर 2018 में भारत में होती है, बेल्जियम विजेता रहा, नीदरलैंड विजेता रहा। 2023 में फिर से भारत में हुई, जर्मनी विजेता रहा और बेल्जियम विजेता रहा। फिर अजलान शाह कप, इसकी शुरुआत 1983 से होती है। यह मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का नाम मलेशिया के 9वें यांग डी पार्टुआन अगोंग राजा थे, ये सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया। अजलान शाह कप का प्रथम विजेता ऑस्ट्रेलिया था। इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक विजेता देश ऑस्ट्रेलिया 10 बार तथा भारत 5 बार है। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, इसकी शुरुआत 1978 में हुई। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किया जाता है। इसमें उस वर्ष के शीर्ष 6 रैंक वाले राष्ट्र शामिल होते हैं। महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1987 से की गई। प्रथम विजेता देश पाकिस्तान पुरुष और नीदरलैंड महिला थी। फिर हॉकी इंडिया लीग, इसकी शुरुआत 2013 से होती है। लीग का आयोजन भारत में देश के लिए शासी निकाय हॉकी इंडिया द्वारा किया जाता है। इस लीग में 6 टीमें होती हैं। इसमें नियत सीजन जनवरी से फरवरी तक 2 माह चलता है और इसमें नियमित सीजन जनवरी से फरवरी 2 माह तक चलता है। इसमें प्रत्येक टीम 10 गेम खेलती है। इस प्रतियोगिता के प्रथम विजेता रांची राइनोज थे। हॉकी इंडिया लीग को कोल इंडिया हॉकी लीग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटन कप, इसकी शुरुआत 1895 में हुई। यह विश्व का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट को कोलकाता में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें पूरे भारत के शीर्ष हॉकी क्लब और इंटरनेशनल टीमें भाग लेती हैं।
चलिए अब देखते हैं टेनिस संबंधी प्रतियोगिताएं। तो एक क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी 2013 में कि विंबलडन में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सानिया मिर्जा थी। अब प्रमुख टेनिस जो प्रतियोगिताएं उनको देख लेते हैं। तो विंबलडन ये एक प्रकार से इसका शुरुआत हुई थी 1877 में हुई थी। आयोजक स्थल यहाँ कहाँ पर होता है, ये लंदन इंग्लैंड में होता है। इसका आयोजन जून से जुलाई माह में होता है और इसमें कोर्ट का क्या प्रकार है, तो ग्रास कोर्ट में खेले जाने वाला बैडमिंटन है। फिर यूएसए ओपन, इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी न्यूयॉर्क यूएसए में, अगस्त सितंबर में खेला जाता है, हाई हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है। फ्रेंच ओपन, इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी पेरिस फ्रांस में, ये इसका हर साल आयोजन होता है और ये मई जून में खेला जाता है और ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ये 1905 से स्टार्ट होता है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है जनवरी फरवरी में और इसमें हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, जबकि विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट पर और फ्रेंच है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला साइना मिर्जा हैं, जिन्होंने रूस की एलिया कैलोवा नोवा के साथ मिलकर महिलाओं का युगल उसमें जीता था। तो ये पूरा वही जानकारी है जो हमने ऊपर पढ़ रखा है। तो इसमें एक बार और चलते चलते देख लेते हैं। तो इसमें जो यूएसए कप है, उत्तरी बेसिकली अमेरिका में खेला जाता है यूएसए ओपन, इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, अगस्त सितंबर में खेला जाता है। फिर विंबलडन ओपन, इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है जून से जुलाई में ना। फिर फ्रेंच ओपन, इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी, क्ले कोर्ट में खोला जाता है मई से जून में। फिर जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, इसकी शुरुआत 1905 से हुई थी, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है जनवरी से फरवरी में। अब कुछ भारत के कुछ कप हैं जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। तो डेविस कप है, इसकी शुरुआत 1900 में हुई थी, इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। डेविस कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक है। चेन्नई ओपन, चेन्नई ओपन को गोल्ड फ्लेक ओपन और टाटा ओपन भी कहा जाता है। यह आउटडोर टेनिस की व्यावसायिक प्रतियोगिता है, यह प्रतिवर्ष चेन्नई में आयोजित की जाती है। अब राष्ट्रीय खेल, दक्षिण एशियाई खेल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आ गया था, ये संशोधित प्रश्न था कि वर्ष 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, गोवा में हुआ था। राष्ट्रीय खेल, तो इसकी शुरुआत 1924 में हुई, भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से शुरू हुआ। 1985 में आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई। 1924 में लाहौर में ओलंपिक खेलों में भारतीय प्रतियोगियों का चयन करने के लिए दिल्ली में भारतीय ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। 1940 में बम्बई में इस खेल का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। 1985 दिल्ली में पहली बार आधुनिक राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए। राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य या समूह को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया। अक्टूबर नवंबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, गोवा में किया गया। दक्षिण एशियाई खेल, इसकी शुरुआत 1984 से होती है। इन खेलों को सैफ या सैक के नाम से जाना जाता है। इन खेलों का आयोजन 1983 में स्थापित संस्था दक्षिण एशियाई खेल परिषद करती है। 1984 में पहली बार दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन काठमांडू में किया गया था। वर्तमान में सैक के 8 सदस्य देश हैं, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। 2024 दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन पाकिस्तान में किया जाना प्रस्तावित है। खेलो इंडिया यूथ गेम, तो इसकी शुरुआत 2018 से होती है। इन खेलों का प्रथम आयोजन दिल्ली में किया गया था, इसमें सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते थे। इस खेल का पुराना नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में वार्षिक राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं। यह दो श्रेणियों अर्थात 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्रों और 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज के छात्रों के बीच आयोजित किया जाता है, के लिए आयोजित किया जाता है। हर साल सर्वश्रेष्ठ 1000 बच्चों को राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करने के लिए 8 लाख 8 साल तक 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। तो हम नेक्स्ट है खेल पुरस्कार, स्पोर्ट्स अवार्ड। तो हम लोग इसमें मध्य प्रदेश के पुरस्कार देखेंगे, फिर भारत के पुरस्कार देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखेंगे। 2019 में एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। तो एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश संबंधित था। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार, तो एकलव्य पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार है, विश्वामित्र पुरस्कार है,
कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है और मध्य प्रदेश प्रभास जोशी खेल पुरस्कार है। एकलव्य पुरस्कार तो ये 1996 में शुरू होता है खेल विभाग के द्वारा। 1994 में परंपरागत पुस्तकों के अनुसार 1994, लेकिन खेल विभाग के अनुसार 1996 में शुरू होता है। यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी जूनियर 21 वर्ष से कम आयु के 15 खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की राशि 1,00,000 रुपए होती है। फिर विक्रम पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत 1972 में खेल विभाग के अनुसार, जबकि 1990 में परंपरागत पुस्तकों के अनुसार। यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी सीनियर वर्ग के 12 खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की राशि 2,00,000 रुपए होती है। यह पुरस्कार मात्र उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। विश्वामित्र पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1996 में होती है खेल विभाग के अनुसार, 1994 में परंपरागत पुस्तकों के अनुसार। यह पुरस्कार प्रशिक्षक कोच या ट्रेनर को दिया जाता है। पुरस्कार की राशि 2,00,000 रुपए जो कि तीन कोचों को दी जाती है। पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। पुरस्कार पाने वाले की आयु 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्हें एकलव्य अथवा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2002 से प्रारंभ किया गया। पहली बार यह पुरस्कार 2002 में श्री संजय जगदाले को दिया गया था। यह पुरस्कार प्रशिक्षक या खिलाड़ी को खेलों के प्रोत्साहन करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह इस पुरस्कार की राशि 2,00,000 रुपए होती है। पहले इस पुरस्कार का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था। 2014 में इसका नाम बदलकर कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया। मध्य प्रदेश प्रभास जोशी खेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2013 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। यह पुरस्कार मलखम्ब खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन या विशेष योगदान करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस खेल की राशि 2,00,000 रुपए होती है। पहली बार यह पुरस्कार 2013 में अजय बख्तारिया को दिया गया था। अब भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार, तो एक क्वेश्चन आया था 2017 में, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो उन्हें 1994 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें जो पहला महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है, इसमें मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय की शुरुआत 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के समय खेल विभाग के रूप में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 के उत्सव के दौरान इसका नाम बदलकर युवा मामले और खेल विभाग कर दिया गया। 27 मई 2000 को यह मंत्रालय बना था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991-92 में, यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से प्रारंभ किया गया था। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। इसकी राशि होती है 25,00,000 रुपए। 2021 में पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। पहली बार खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं ये को दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत 1961 से होती है। राशि इसमें 15,00,000 रुपए दी जाती है। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन और नेतृत्व करने, खेल कौशल व अनुशासन की भावना दर्शाने हेतु दिया जाता है। यह पुरस्कार समानता है 15 से 35 खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्रिकेट में पहली बार यह पुरस्कार 1961 में सलीम दुर्रानी को दिया गया था। 1994 में यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार, 1985 में इसकी शुरुआत होती है। राशि 15,00,000 रुपए। उद्देश्य क्या है? खेल संबंधी प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कोच या प्रशिक्षक को यह दिया जाता है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भालचंद भास्कर भागवत कुश्ती में, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में और ओम एम नाम्बियार एथलेटिक्स में थे बेसिकली ये। फिर ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो इसकी शुरुआत 2002 में होती है। राशि इसमें 10,00,000 रुपए दी जाती है। उद्देश्य क्या है? या खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान देने और सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करने वालों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई। तो ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है, विशेष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दी जाती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से शुरू हुआ। यह पुरस्कार देश में खेलों को बढ़ावा देने के और विकास के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार कॉरपोरेट संस्थानों, निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड और टाटा स्टील को 2009 में दिया गया था। तेंजिंग
नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार नेशनल एडवेंचर अवार्ड से ये 1994 में इसकी शुरुआत होती है, जिसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एडवेंचर जोखिम, सहकारी टीम वर्क और प्रभावकारी का कदम उठाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था आईएएस की परीक्षा 2021 में कि वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला वन के खिलाड़ियों को मिला है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला। तो सही उत्तर था 1 और 3 था। तो सबसे पहले जो खेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है लॉरियस खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। इसे खेल जगत का ऑस्कर या वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस के खिलाड़ियों और टीम को प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 2000 में यह पुरस्कार विजेता अमेरिकी खिलाड़ी टाइगर वुड्स थे। इस पुरस्कार को सर्वाधिक रोजर फेडरर ने प्राप्त किया है। स्पेन के लॉरियस फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष 7 श्रेणियों में दिया जाता है। पुरुष खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, टीम, ब्रेक थ्रू, कम बैक, डिसेबिलिटी और एक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। डेविड डिक्सन पुरस्कार, राष्ट्रमंडल खेल के सचिव डेविड डिक्सन के नाम पर 2002 में यह पुरस्कार आरंभ किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। भारत के समरेश चंग निशानेबाजी को 2006 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सिंगापुर के टेबल टेनिस खिलाड़ी फेंग तियानवेई को मिला है। अब फीफा कप से संबंधित पुरस्कार, तो गोल्डन बूट अवार्ड है। ये 1982 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार फुटबॉल फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ स्कोरर को दिया जाता है। गोल्डन बॉल पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रत्येक फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, यह पुरस्कार 1930 के पहले विश्व कप के बाद से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। फीफा बैलोन डी ओर पुरस्कार, यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को प्रत्येक वर्ष फ्रांस फुटबॉल क्लब को द्वारा दिया जाता है। आईसीसी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में शामिल है तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, इसे गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है या उसके लिए दिया जाता है। फिर आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचेल फिन ट्रॉफी के नाम से इसको जाना जाता है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। अब हम लोग खेल कूद परीक्षा धाम, जिसमें हम लोग स्टेडियम, ट्रॉफियां, शब्दावलियां, खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ियों की पुस्तकें, खेल में खिलाड़ियों की संख्या, खेल परिसर और देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें मेजर जो स्टेडियम्स हैं मध्य प्रदेश, भारत और विश्व में, उनके बारे में देखेंगे। 2019 में क्वेश्चन आया था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट खेल से है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम, तो ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है और सुभाष चंद क्रिकेट स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम या कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है और सुभाष चंद क्रिकेट स्टेडियम है। रीवा में ठाकुर रणवत सिंह स्टेडियम है। जबलपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, अशोक पटेल और रानी ताल स्टेडियम है। फिर भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम है, एस बाग स्टेडियम है और बाबे अली स्टेडियम है। इंदौर में उषा राजे होलकर स्टेडियम है, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम है और खेल क्रिकेट स्टेडियम नेहरू क्रिकेट स्टेडियम है। तो अभय खेल प्रसाद स्टेडियम इंदौर में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है ये। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है, इस स्टेडियम में जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है। एस बाग स्टेडियम भोपाल में है, यह एस्ट्रोटर्फ यानी कृत्रिम घास वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम ये इंदौर में है, नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। होलकर क्रिकेट या उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है, यहाँ 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया था। रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में है, द्वितीय रोशनी इंडे नाइट मैच की सुविधा कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम और सचिन तेंदुलकर का दोहरा शतक इसी मैदान पर आया था। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में है, 21 मार्च 2022 में अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट खेला गया था। कोलियारी स्टेडियम बिरसिंहपुर में है। फिर सुभाष चंद बोस क्रिकेट स्टेडियम ये ग्वालियर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में है। अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर में है। रानीताल स्टेडियम जबलपुर में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। उषा भाव ठाकरे स्टेडियम देवास में है। बाबे अली स्टेडियम भोपाल में है और भीमराव अंबेडकर स्टेडियम मुरैना में। भारत के प्रमुख स्टेडियम, तो
लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कोई स्टेडियम नहीं है। दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला, जिसे अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। फिर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है। फिर उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क है, अटल बिहारी स्टेडियम है। फिर झारखंड में है कीनन स्टेडियम। असम में है भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। फिर वेस्ट बंगाल में है युवा भारती ईडन गार्डन। उड़ीसा में है बाराबती स्टेडियम। फिर तेलंगाना में है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम। तमिलनाडु में है चेपाक क्रिकेट स्टेडियम। फिर केरला में है ग्रीन फील्ड स्टेडियम। महाराष्ट्र में है वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। गुजरात में है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान में है सवाई माधो सिंह स्टेडियम, सॉरी ये जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है ये गुजरात में है, और सवाई माधो सिंह स्टेडियम राजस्थान में है। फिर मध्य प्रदेश में रूप सिंह है और होलकर स्टेडियम है। तो चलिए देखते हैं, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है ये। शिवाजी हॉकी स्टेडियम दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है ये। अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम दिल्ली में है। अरुण जेटली क्रिकेट या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। कीनन क्रिकेट स्टेडियम जमशेदपुर में है। भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। युवा भारती सोल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, कलकत्ता, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है ये। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम ये कलकत्ता, भारत का पहला पिंक टेस्ट क्रिकेट यहाँ खेला गया था। बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। चेपक क्रिकेट स्टेडियम चेन्नई में है, चेन्नई में तमिलनाडु में। ग्रीन फील्ड क्रिकेट स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में है यानी केरल में है। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में है। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में है। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में है। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में है। डी वाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है, अहमदाबाद में है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये। फिर ईके ए एरिना स्टेडियम ये अहमदाबाद, भारत का सबसे बड़ा कबड्डी स्टेडियम है ये। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। फिर मरीना एरिना जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय स्टेडियम चेन्नई में है। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम हॉकी का ये चेन्नई में है। तो हम लोग विश्व के प्रमुख स्टेडियम्स के देखेंगे, तो यूएसए में है योंकी बॉक्सिंग स्टेडियम, ब्रुकलिन बेसबॉल स्टेडियम और फॉरेस्ट हिल स्टेडियम। ब्राज़ील में मरकाना फुटबॉल स्टेडियम है। दक्षिण अफ्रीका में न्यूलैंड स्टेडियम है और ओलंपिया पार्क स्टेडियम है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम है। फिर गाले क्रिकेट स्टेडियम ये श्रीलंका में है। मोटेरा भारत में है। लाहौर में कद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम है। फिर कैंप नाउ स्टेडियम है। फिर जो इंग्लैंड है यहाँ पर ब्लैक हीथ रग्बी स्टेडियम है, लॉर्ड्स है, लीड्स है और ओवल। अब ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड है। मेलबॉर्न विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैदान है। मेट्रिकॉन स्टेडियम या करारा स्टेडियम ये गोल्ड कोस्ट के नाम जाना जाता है। यहाँ 2018 में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे। वाका बेस्ट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर्थ में है। विश्व में सर्वाधिक उछाल प्राप्त करने वाली पिच वाला ये मैदान है। बांग्लादेश के स्टेडियम, तो शेरे बांग्ला स्टेडियम ढाका में है। शेख अबू नसीर खुलना स्टेडियम खुलना में है। बंग बंधु स्टेडियम ढाका में। दक्षिण अफ्रीका के स्टेडियम, तो न्यूलैंड स्टेडियम केपटाउन में है। बंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में है। किंग्स मेड स्टेडियम टर्बन में है। सेंचुरियन पार्क सेंचुरियन में है। इंग्लैंड के स्टेडियम, तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ये लंदन में है, इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ब्लैक हीथ स्टेडियम ये लंदन रग्बी खेल से रिलेटेड है। व्हाइट सिटी स्टेडियम लंदन में है, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में है। टेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम टेंट ब्रिज में है। फ्रांस के स्टेडियम, तो स्टेट डी फुटबॉल स्टेडियम सेंट डेनिस में है। श्रीलंका के स्टेडियम, तो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में है। महेंद्र राजपक्षे स्टेडियम अम्बनटोटा में है। गाले क्रिकेट स्टेडियम गाले में है। न्यूजीलैंड के स्टेडियम, तो ईडन पार्क स्टेडियम है ऑकलैंड में। सेडोन पार्क स्टेडियम है हैमिल्टन में। और हेगले ओवल स्टेडियम है क्राइस्ट चर्च में। वेस्ट इंडीज के स्टेडियम, तो सबीना पार्क स्टेडियम है किंगस्टन में। क्वीन पार्क स्टेडियम है
पोर्टाप स्पेन में। यूएसए की स्टेडियम फॉरेस्ट हिल स्टेडियम है न्यूयॉर्क, टेनिस के लिए प्रसिद्ध है। फिर यांकी स्टेडियम है न्यूयॉर्क में, और ब्रुकलिन बेसबॉल स्टेडियम है न्यूयॉर्क में। तो नेक्स्ट है प्रमुख कप एवं ट्रॉफियां, मेजर कप्स एंड ट्रॉफीज। तो हॉकी जो रिलेटेड खेल है उससे जो संबंधित कप एवं ट्रॉफियां हैं, तो आगा खां कप है, रंगास्वामी कप है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी है, सिंधिया गोल्ड कप है, मुरुगप्पा गोल्ड कप है, बिलिंगटन कप है, बेटन कप है, अबेदुल्ला गोल्ड कप है। महिलाओं से संबंधित जो ट्रॉफी है हॉकी में, तो बेगम रसूल ट्रॉफी है, रेडी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी है, फिर अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी गोल्ड क्लब गोल्ड कप है। फुटबॉल में डूरन कप है, ब्रिस्टल रोवर्स कप है, बीसी रॉय ट्रॉफी है, ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है इसमें, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो मुखर्जी कप है, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी है, मर्डेका कप है, यूरो कप है, कोपा कप है, एयरलाइंस गोल्ड कप है, जवाहरलाल नेहरू साकर कप है। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी है राष्ट्रीय चैंपियनशिप, फिर ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, सी के नायडू ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, जी डी बिरला ट्रॉफी है, फिर रोहिंटन बारिया ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, और शीश महल ट्रॉफी है। महिला क्रिकेट से संबंधित तो बिजली ट्रॉफी है, रानी झांसी ट्रॉफी है। लॉन टेनिस में विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएसए ओपन है, रोम मास्टर्स है, इटली ओपन इसे कहा जाता है, चेन्नई ओपन है, गोल्ड फ्लैग ओपन ट्रॉफी इसे कहते हैं, डेविड कप है, टेनिस का विश्व कप है, होप कप है, फैमिली सर्किल कप है, स्टीजन कप है, हेलमेट कप है, और मर्सिडीज कप है। महिला संबंधित ट्रॉफी तो इसमें फेडरेशन कप है। टेबल टेनिस तो इसमें बर्ना बिलेक कप है पुरुषों का, रामानुजम ट्रॉफी है जूनियर पुरुष की, और स्वेथलिंग कप है विश्व कप। महिला संबंधित ट्रॉफियां तो जयलक्ष्मी कप है, राजकुमारी चैलेंज कप है जूनियर महिला के लिए, फिर कार बिलान कप है महिला विश्व कप में। बैडमिंटन में सुधीरमन कप है, थॉमस कप है पुरुषों में, नारंग कप है, चड्ढा कप है, अमृत दीवान कप है, अग्रवाल कप है, हरीला कप है। महिलाओं से संबंधित ट्रॉफी तो उबेर कप महिलाओं से रिलेटेड है। बास्केटबॉल में बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप है, फेडरेशन कप है। पोलो में पृथ्वी पाल सिंह कप है, राधा मोहन कप है, क्लासिक कप है, एजार कप है। गोल्फ में बाकर कप है, सर्किट कप है, राइडर कप है, डनहिल कप है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप है, और आइजनहावर कप। जिम्नास्टिक में चाइना कप है, ब्रिज प्लेइंग कार्ड तो इसमें होलकर ट्रॉफी है, रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी है, सिंघानिया ट्रॉफी है, और प्रिंस बसलत झा ट्रॉफी है। आइस हॉकी में स्टेनले कप है और स्मिथ कप है। रग्बी कप में बेव एलिस कप है, डर्बी कपस है, क्विल्टर कप है, गार्डन हंटर मेमोरियल ट्रॉफी है। शतरंज में लिना रेस कप है, नौकायन में नेहरू बोट रेस वेलिंगटन कप है। केरल में प्रतिवर्ष पुनमदा कयाल झील में आयोजित नौका रेस है। फिर वॉलीबॉल में गोल्डन चैंपियंस कप है, शिवांति गोल्ड कप है, पूर्णिमा ट्रॉफी है, राष्ट्रीय महिला खेल से रिलेटेड है। फिर विशेष क्या है कि राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेल के चैंपियंस राज्य को प्रदान की जाती है। अब खेलों से संबंधित शब्दावलियां, तो एक क्वेश्चन आया था 2018 में, लिब्रो किस खेल से संबंधित है, तो ये वॉलीबॉल से संबंधित था। तो क्रिकेट से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उसमें स्लेजिंग है, फ्री हिट है, दूसरा चाइना मैन, डक, फॉलो ऑन, गुगली, LBW, मेडॉन ओवर, नो बॉल, पॉपिंग क्रीच, सिली पॉइंट, यार्कर, थर्ड मैन, पिंच हिटर, DRS, डकवर्थ लुइस सिस्टम, DRS, ओवरथ्रो, मांगडिंग नियम। फिर बॉक्सिंग में ऑक्सिलरी पॉइंट सिस्टम है, ऑक्सिलरी पॉइंट सिस्टम है, फिर बैबिट पंच है, डिफेंस है, डाउन है, जैब है, लाइंग ऑन है, नॉक है, सेकंड आउट्स है, और बेट इन है, बिन बाई है। ब्रिज में ऑक्शन है, बिड है, सेकेंड है,
डिक्लेरर है, डबल टोन है, डमी है, लिटिल स्लैम है, रिवोक है, सफल है और वलन रेबल है। शूटिंग में बुल्स आई है, बैग है, मार्क्समैनशिप है, मजल है और प्लग है। बैडमिंटन में स्मैश है, बर्ड है, ड्यूस है, डबल है, डबल ट्रैप है, फिर फ्लिक सर्व है, फोर हैंड स्मैश, लिट लोब लव ऑल और नेट शॉट्स है। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग है, ब्लॉकिंग है, फ्री थ्रो है, होल्डिंग है, मल्टीपल थ्रोज है और पाइवट है। शतरंज में एन पासेंट है, एन पासेंट, गैम्बिट है, बिशप है, कैप्चर है, चेकमेट है, ग्रैंड मास्टर। स्विमिंग में ब्रेस्ट स्ट्रोक है, क्रॉल है। टेबल टेनिस में एंटी लूप है, बैक स्पिन है, चॉप है, लूप है, पेन होल्ड, ग्रिप है, पुश है, स्पिन है, ट्विड है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम है, एस है, ग्रैंड स्लैम यस, ग्राउंड स्ट्रोक, हाफ वाली, फिर स्लाइस है, स्मैश है, वाली है। वॉलीबॉल में लिब्रो है, बूस्टर है, रोटेशन डब है, रोटेशन डब हिट है। कुश्ती में हाफ नेल्सन है, हेड लॉक है, हीव है, होल्ड है, डिबाउट्स है और सीजर है। गोल्फ में आयरन है, बोगी है, ईगल है, बर्डी है, टी है, बंकर है, कैडी है, डामी है और फेयरवे है। फुटबॉल में एडवांटेज क्लॉज है, ब्लाइंड साइड है, ड्रिबल है, मार्किंग है, ऑफ साइड है, पेनाल्टी किक है, रेड कार्ड है, येलो कार्ड है और थ्रो इन है और पिंग है। जिम्नास्टिक में एरियल है, कोन ऑफ स्विंग है, प्लेयर्स है, इनलोकेट है, किप है और प्लांच है। हॉकी में बुली है, रोल इन है, स्कूप है, स्टिक है, टाई ब्रेकर है, जोनल है, मार्किंग है, पेनाल्टी स्ट्रोक है, 7 गज से मारा जाता है पेनाल्टी को, पेनाल्टी स्ट्रोक। फिर घुड़दौड़ में जॉकी है, पंट है, स्टीपल चेज है और थोरोब्रेड है। जूडो में डैन है, रेंडोरी है, बकी गटामे है, योशी है और यूको है। कराटे में ब्लैक बेल्ट है, एज जुकी है, हाजिम है, इबुकी है, जियान है, कोका है, मकीवारा है, निदान है, रेई है, सेनबोन है, सिरो है और तोबी केरी है। पोलो में बंकर है, चकर है, मैलेट है। नौकायान में बो है, बकेट है, काऊ है, एग्रोमीटर है, फीदर है, पैडल है और रेगाटा है। रग्बी में ट्रैकल है, लाइंस है, स्क्रम है और टाई है। बेसबॉल में डायमंड है, बैटरी है, बंटिंग है, पिचर प्लेट है। बिलियर्ड्स में क्यू है, बाल्क लाइन है, बोटिंग है, कैनन है, हैजार्ड है, जिगर है, लॉन्ग जेनी है, पॉट है और स्क्रैचर है। स्किंग में टोबो गैनिंग है। कबड्डी में बोनस लाइन है, रेड है, सुपर रेड है, लॉबी है, बैटिंग ब्लॉक है, एंटी है, बक लाइन है और मार्च लाइन है। मलखम में बगली उल्टी है, गुरु पकड़ है, तेली खाना है, बजरंगी ट्रैप है, नक्की कस है, दंग रस है और अंदर को फीरी है। साइकिलिंग में बेलोड्रोम है, बेलोड्रोम खिलाड़ियों के उपनाम प्लेयर्स निकनेम। तो मनोहर आइज को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था। वे क्या थे? वो एक बॉडी बिल्डर थे। तो उपनाम और खिलाड़ी, तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, बॉम्बे बूमर आदि के नाम से जाना जाता था। जंबो अनिल कुंबले का उपनाम था। सुपर किट ये क्लाइव लॉयड का था, क्रिकेट से रिलेटेड थे। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता था। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता था। दवाल जेमी मिस्टर रिलायबल राहुल द्रविड़ को कहा जाता था। बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली को कहा जाता था। टर्मिनेटर ये हरजन सिंह को कहा जाता था। क्रिकेट किंग विराट कोहली को। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को। उड़न परी पयोली एक्सप्रेस पीटी ऊषा को कहा जाता है, ये धावक हैं। फिर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता था। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है, धावक ये भी हैं। फिर माइकल फिलिप्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है और ये अमेरिका के तैराक हैं। तारपीडो ये इयान थोरपे का उपनाम है। फिर आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोज कहा जाता है। मैरी काम को सुपर मोम कहा जाता है। के डी जाधव को पॉकेट डायनेमो कहा जाता है। विश्वनाथन आनंद को लाइटिंग किड
टाइगर ऑफ मद्रास कहा जाता है। पेस एंड भूपति को इंडियन एक्सप्रेस, पेले को ब्लैक पर्ल, उसैन बोल्ट को लाइटिंग बोल्ट, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस और मनोहर आईची को पाकिट। हरक्यूलिस यानी बॉडी बिल्डर, मनोहर आईची बॉडी बिल्डर से रिलेटेड थे कहा जाता था। लिंडर पेस टेनिस को भी कई स्रोतों में पॉकेट डायनेमो कहा गया। हम लोग प्रमुख खिलाड़ी उनकी पुस्तकें देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और क्रिकेट माई स्टाइल दो पुस्तकें लिखी हैं। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सौरभ गांगुली की पुस्तक है अ सेंचुरी एज नॉट इनफ, अ सेंचुरी एज नॉट इनफ, विराट कोहली की ड्रीवन है। सुनील गावस्कर ने वनडे वंडर्स, सनी डेज और आइडल्स लिखी है। वीवीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक लिखी है। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ओट्स, एलन डोनाल्ड की है वाइट लाइटिंग, पीटी उषा की गोल्डन गर्ल, डेविस बेकहम की माई साइड, मेजर ध्यानचंद की गोल आत्मकथा, विश्वनाथ आनंद की माई बेस्ट गेम ऑफ चेस मास्टर माइंड आत्मकथा है उनकी। फिर मैरी काम, मेरी काम की क्या पुस्तक है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी, बलबीर सिंह की गोल्डन हैट्रिक गोल्डन यार्ड स्टिक, शाहिद अफरीदी की गेम चेंजर, सैयद मुश्ताक अली की पुस्तक है क्रिकेट डिलाइटफुल, साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, हर्षल गिब्स की टू द पॉइंट जीवनी है, एडम गिलक्रिस्ट की टू कलर्स ऑटोबायोग्राफी है, क्रिस गेल की सिक्स मशीन है, हुसैन बोल्ट की फास्टर देन लाइटिंग, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, टाइगर वुड्स की हाउ आई प्ले गोल्फ, ई एम एस प्रसन्ना की वन मोर ओवर, अजीत अगरकर की माई क्रिकेटिंग ईयर्स, नोबाक जोकोविच की सर्व टू विन, साइमन टाफिल की फाइंडिंग द गैप, सेन बॉर्न की द स्पिन, असलम शेर खान की टू हेल विथ हॉकी, अभिनव बिंद्रा की द स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री, अनिल कुंबले की वाइड एंगल, शोएब अख्तर की कंट्रोवर्सियली यार्क्स जीवनी है ये, फिर इमरान खान की पाकिस्तान रन अ पर्सनल हिस्ट्री। अब खिलाड़ियों की संख्या, तो क्वेश्चन आया था 2013 में कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। तो बॉक्सिंग शतरंज और बिलियर्ड्स या स्नूकर में एक खिलाड़ी होता है, बॉक्सिंग शतरंज और बिलियर्ड्स या स्नूकर में एक खिलाड़ी होता है। टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन में एक या दो खिलाड़ी हो सकते हैं, तो एकल में एक खिलाड़ी और युगल में दो खिलाड़ी होते हैं। फिर क्रोकेट में 3 से 6 खिलाड़ी होते हैं, 3 या 6 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल व आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो कबड्डी नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, जिमनास्ट में 8 खिलाड़ी होते हैं, जिमनास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, खो खो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, लक्रोस में 10 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। खेल और परिसर, एक क्वेश्चन आया था वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है, ये तो ये साइकिलिंग से संबंधित है। तो क्रिकेट रग्बी परिसर का क्या नाम है, पिच कहा जाता है परिसर को, नहीं जहाँ पर खेला जाता है बेसिकली। गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसको कोर्स कहते हैं, बेसबॉल जहाँ खेला जाता है उसको डायमंड कहते हैं, टेबल टेनिस जहाँ खेला जाता है उसको बोर्ड कहते हैं, जूडो कराटे या ताइकंडो जहाँ खेला जाता है उसे मैट कहते हैं, साइकिलिंग कहाँ की जाती है उसे वेलोड्रम कहा जाता है, एथलेटिक्स जहाँ खेली जाती है उसे ट्रैक कहते हैं, निशानेबाजी या तीरंदाजी जहाँ खेली जाती है उसे रेंज कहते हैं, बैडमिंटन लॉन टेनिस नेटबॉल खो खो स्क्वैश कबड्डी हैंडबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल जहाँ पर खेला जाता है उसे कोर्ट कहा जाता है, स्केटिंग या मुक्केबाजी जहाँ की जाती है उसे रिंग कहा जाता है, तैराकी जहाँ की जाती है उसे पूल कहा जाता है, बाउल्स जहाँ खेला जाता है उसे ग्रीन्स कहा जाता है, बाउलिंग जहाँ की जाती है उसे एली कहा जाता है, घुड़सवारी जहाँ की जाती है उसे एरिना कहा जाता है, पोलो फुटबॉल हॉकी जहाँ खेला जाता है उसे फील्ड कहा जाता है, कर्लिंग आइस हॉकी जहाँ खेली जाती है उसे रिंग कहा जाता है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है, भारत का हॉकी है, भारत का हॉकी है, भूटान का तीरंदाजी है, भूटान का तीरंदाजी है, म्यांमार का चिनलोन है, नेपाल का दंडी बायो है, बांग्लादेश का कबड्डी है, चीन का टेबल टेनिस है, अफगानिस्तान का बुचकासी है, श्रीलंका का वॉलीबॉल, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, यूएसए का बेसबॉल, कनाडा का आइस हॉकी, फिर फ्रांस का फुटबॉल है,
इंग्लैंड का क्रिकेट है, जापान का जूडो है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, मलेशिया का बैडमिंटन है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, ब्राज़ील का फुटबॉल है, स्पेन का बुल फाइट है, ईरान का कुश्ती है और पाकिस्तान का हॉकी है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों का नेशनल गेम है वो क्या है? हॉकी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा जो खेल करेंट अफेयर का चैप्टर है एग्जामपीडिया की इस बुक का वो समाप्त होता है। सॉरी, ये परीक्षा धाम की बुक है जिसे हम लोग कवर कर रहे थे, तो परीक्षा धाम की इस बुक का कवर होता है। तो अभी बहुत सारा सेक्शन बच गया है तो उसको कवर करने का प्रयास रहेगा। तो चलिए, अगर आपको इसलिए अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।